हेलो फ्रेंड्स, मैं हुनैशिक फ्रॉम blogtut.com और आज वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप एक प्रोफेशनल और ब्यूटीफुल जॉब्स लिस्टिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस को यूज़ करके। इस वेबसाइट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ हर चीज़ फ्रंट एंड पे होती है। अगर किसी एम्प्लॉयर को आपके वेबसाइट पे कोई जॉब पोस्ट करना है तो वो आपके वेबसाइट पे आके साइन अप कर सकता है और इजीली फ्रंट एंड से जॉब पोस्ट कर सकता है। उनको बैक एंड पे यानी आपके डैशबोर्ड पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और इस वेबसाइट में कैंडिडेट्स और एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए अलग अलग फ्रंट एंड्स अवेलेबल हैं। ये सब चीज़ें आगे मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊँगा। और अगर आप इस वेबसाइट से कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हैं तो आप जॉब लिस्टिंग पैकेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। सो जिस एम्प्लॉयर को भी आपके वेबसाइट पे जॉब पोस्ट करनी होगी उसे ये पैकेजेस खरीदने होंगे, फिर वो आपको वेबसाइट पे जॉब पोस्ट कर सकता है। यहाँ कोई भी कैंडिडेट आके आपके वेबसाइट पे जो भी जॉब्स पोस्टेड है उन्हें देख सकता है और वो चाहे तो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। इस वेबसाइट की एक और खास फीचर यह है कि इसमें कैंडिडेट ऑनलाइन ही रेज्यूमे क्रिएट कर सकता है और इससे ये होगा कि एम्प्लॉयर ऑटोमेटिकली कैंडिडेट तक पहुंच सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कैंडिडेट ने अपने रेज्यूमे में ये मेंशन किया है कि वो MBA है और अगर कोई एम्प्लॉयर MBA को ढूंढ रहा है तो उस एम्प्लॉयर को एक नोटिफिकेशन आएगा इस कैंडिडेट के बारे में और वो एम्प्लॉयर डायरेक्टली इस कैंडिडेट को कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसमें और भी बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स है ऑब्वियसली, जो मैं आपको आगे चल के डिटेल में समझाऊंगा कैसे आप उसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक काम करता हूं, वीडियो को शुरू करने से पहले यानी इस वेबसाइट को क्रिएट करना शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूं जो वेबसाइट आप क्रिएट करने जा रहे हैं, ताकि आपको शुरू में ही ये पता चल जाए कि जो वेबसाइट आप क्रिएट करने जा रहे हैं वो कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ है, कितने पेजेस है, उसका डिज़ाइन कैसा है, सब की सब चीज़ें आप शुरू में समझ सके। और आपको पूरा 2-3 घंटे का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े सिर्फ एंड रिजल्ट देखने के लिए। मैं क्या कर रहा हूँ, शुरू में ही आपको एंड रिजल्ट दिखा देता हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो जाए ये वेबसाइट जो आप क्रिएट करने जा रहे हो कैसा है, उसका डिज़ाइन कैसा है, कैसे फीचर्स है, और आप शुरू में ही ये डिसीजन ले सके आपको ये कंप्लीट वीडियो देखना है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो मैं अभी आपको डेमो दिखाता हूँ, उसके बाद हम वेबसाइट क्रिएट करना शुरू करते हैं। सो ये वो वेबसाइट है जो हम इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं, जो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है। ये आपका होम पेज है। सबसे पहले आप देखेंगे आपका हेडर है। हेडर में लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये आपका लोगो दिखेगा। ऑब्वियसली इस लोगो को चेंज करके आप अपना लोगो डाल सकते हैं। बीच में आपका ये मेन्यू है, जो भी आप चाहें यहाँ पर मेन्यू में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे आप बहुत सारे पेजेस है, जॉब्स, एम्प्लॉयर्स, कैंडिडेट पैकेजेस और अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ये सब के सब पेजेस हम इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं। फिर उसके बाद आपको दो बटन मिलेंगे या फिर दो लिंक मिलेंगे, रजिस्टर या साइन इन का। अगर आपने अभी रजिस्टर नहीं किया इस वेबसाइट पे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप मिलेगा। अगर आप चाहे एज ए कैंडिडेट रजिस्टर कर सकते हैं या तो आप चाहे तो एज ए एम्प्लॉयर रजिस्टर कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। और अगर आप एक एम्प्लॉयर है या फिर आपके पास कोई जॉब है या फिर आप कोई बंदे को ढूंढ रहे हैं जॉब के लिए, आप इस वेबसाइट पे इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं पोस्ट न्यू जॉब, और आपके सामने फिर ये फॉर्म आएगा। आपको ये फॉर्म फिल करके सेंड करना है, उसके बाद आपके जो भी जॉब डिटेल्स है वो ये वेबसाइट पे डिस्प्ले होने लगेंगे। ओके, आप देख सकते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया, हर चीज़ यहाँ पर फ्रंट एंड पे होगी, कोई भी चीज़ के लिए आपको डैशबोर्ड पे यानी बैक एंड पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी ये सब प्रोसेस मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जॉब पोस्ट करने का, ये सब प्रोसेस पहले मैं आपको होम पेज दिखा देता हूँ। सो होम पेज में आप देख सकते हैं, ये होम पेज को हमने डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है। हर सेक्शन, फॉर एग्जांपल ये आपका हीरो सेक्शन है, फिर आपका स्टैटिस्टिक्स सेक्शन है, ये आपका कैटेगरी का सेक्शन है, ये आपका कॉल टू एक्शन सेक्शन है, फीचर्ड लिस्टिंग का सेक्शन है, इस तरीके से। सबसे पहले आपका हीरो सेक्शन होता है कोई भी वेबसाइट पे, यहाँ पर आप एक टाइटल देंगे बड़ा सा, एक अट्रैक्टिव टाइटल, एक कॉल टू एक्शन वाला टाइटल, उसके बाद एक छोटा सा सब टाइटल देंगे, फिर यहाँ पर आपको ये सर्च बार मिलेगा। सर्च बार में सबसे पहले आप किस टाइप की जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं वो जॉब का टाइटल या फिर उसके कीवर्ड, कुछ जॉब के बारे में कुछ टाइप करें, क्या लोकेशन है। अगर आप इस बटन पे क्लिक करें ये आपका लोकेशन ऑटोमेटिकली ले लेगा गूगल API के थ्रू। फिर किस सेक्टर में आपको जॉब ढूंढ रहे हैं, आप सेल्स मार्केटिंग का जॉब ढूंढ रहे हैं, अकाउंटिंग का जॉब ढूंढ रहे हैं, एजुकेशन रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हैं, ये सब ऑप्शन आप डाल के सर्च पे क्लिक करके आप सर्च पे इस देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप नीचे देखेंगे कुछ यहाँ पर हमने स्टेटिस्टिक्स दिए हैं, काफ़ी नंबर्स दिए हैं, जैसे कि इस वेबसाइट पे 1 लाख से ज़्यादा जॉब्स अभी तक एडेड है, इस वेबसाइट पे नो अराउंड 2 लाख के आसपास के रिज्यूमेस हैं और इतने सारे पोस्ट हमने यहाँ पर मैच किए हैं। फिर उसके बाद आपको कैटेगरीज का सेक्शन मिलेगा। सो अगर किसी को पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में ही जॉब चाहिए सो इस सेक्शन पे, इस कैटेगरी पे क्लिक कर सकता है और वो उस जॉब को दिखेगा, उन सब के सब जॉब को दिखेगा जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंडर में आते हैं।
फिर उसके बाद आपको कॉल टू एक्शन सेक्शन है, फिर उसके बाद आपका फीचर लिस्टिंग सेक्शन है। सो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं और पैकेजेस में अगर कोई एम्प्लॉयर चाहे तो फीचर्ड पैकेज सेलेक्ट कर सकता है। उससे क्या होगा कि हम उनके जॉब को हर जगह डिस्प्ले करेंगे ताकि उनके जॉब को ज़्यादा प्रेफरेंस मिले, ज़्यादा व्यूज़ मिले, ज़्यादा लोग उनके जॉब को देखें और इसके लिए एम्प्लॉयर हमें कुछ पैसे, एक्स्ट्रा पैसे पे करेगा। सो ये होता है फीचर्ड ऐड, इसके बारे में मैं आपको आगे चल के डिटेल में समझाऊंगा। फिर उसके बाद आपका ये टेस्टिमोनियल सेक्शन है। सो अगर कोई एम्प्लॉयर या फिर कोई स्टूडेंट आपके बारे में कुछ अच्छा बोलता है कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई इस वेबसाइट से, या फिर कोई एम्प्लॉयर बोलता है कि मुझे बहुत अच्छे कैंडिडेट्स मिले इस वेबसाइट से, आप उनके बारे में टेस्टिमोनियल यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर हम देखेंगे ब्लॉग्स कैसे क्रिएट करते हैं। सो ब्लॉगिंग को भी हम कवर करेंगे इस वीडियो में ताकि आप कुछ एक्स्ट्रा ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे ला सके। और उसके बाद ऑब्वियसली बॉटम में आपको ये फुटर सेक्शन मिलेगा, ये है आपका होम पेज। और भी बहुत सारे पेजेस हैं, मैं एक एक करके सबको दिखाता हूँ। जैसे कि ये जॉब पेज है, एम्प्लॉयर्स पेज, कैंडिडेट्स पेज और पैकेजेस में भी आपको ये पेज है। सो जॉब पैकेजेस, जो भी पैकेजेस है वो देख लेते हैं। पहला पैकेज पेज देख लेते हैं, जॉब पैकेजेस। अभी आप ये देख सकते हैं, ये है जॉब पैकेज। इसमें क्या हो रहा है, पहले तो ये पेज कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। हमने कई सारे यहाँ पर पैकेजेस क्रिएट किया है। अगर किसी को कुछ पे नहीं करना है फिर भी वो एक जॉब पोस्ट कर सकता है, मतलब एक जॉब अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर सकता है और वो जॉब 15 दिन तक आपके वेबसाइट पे डिस्प्ले होगा। 15 दिन बाद ये जॉब ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। अगर किसी को ज़्यादा जॉब्स पोस्ट करने हैं उसे पैकेज खरीदना पड़ेगा, जैसे कि 50 रुपये पर मंथ वाला पैकेज, इससे वो 10 जॉब्स हर महीने पोस्ट कर सकता है। और फीचर्ड ऑन डिमांड है, मतलब अगर वो चाहे तो आपको कांटेक्ट करके फीचर्ड भी करवा सकता है ताकि उसके जॉब को आप हर जगह डिस्प्ले कर सके। और ये जॉब इस वेबसाइट पे 20 दिन तक रहेगा। इसी तरीके से और भी सारे, कई सारे यहाँ पर फीचर्स, यहाँ पर जॉब पैकेजेस अवेलेबल है। एक और टाइप के पैकेज हम देखेंगे इस वेबसाइट में, वो है CV पैकेजेस। CV पैकेजेस में क्या होता है, इससे कोई भी कैंडिडेट जो भी जॉब ढूंढ रहा है वो आपके वेबसाइट पे आएगा। उसका डैशबोर्ड मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा उसका डैशबोर्ड कैसा दिखता है। सो जो कैंडिडेट होगा वो अपना CV अपलोड कर सकता है इस वेबसाइट पे, और जो एम्प्लॉयर्स हैं जो कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे हैं, जॉब वाले को ढूंढ रहे हैं, वो ये पैकेजेस परचेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने पावर पैकेज परचेस किया, वो 5 CV देख सकता है और पाँचों में से किसी का भी CV उसे पसंद आए उस बंदे को वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। सो इस तरीके से ये ऑप्शन काम करता है। उसके बाद हमारे कुछ एक्स्ट्रा पेजेस है, जैसे कि आपका जॉब्स लिस्टिंग पेज है। इस पेज पे जितने भी जॉब्स आपके वेबसाइट पे पोस्टेड है सबके सब जॉब्स एक जगह पे डिस्प्ले होंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे काफ़ी सारे ऑप्शंस है जिसको यूज़ करके आप इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको सिर्फ फुल टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं, सो आप फुल टाइम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद राइट हैंड साइड पे अभी आपको सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम जॉब्स डिस्प्ले करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक भी फुल टाइम जॉब यहाँ पर नहीं है। सो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम एम्प्लॉयर लिस्टिंग भी देखेंगे। सो इस पेज पे क्या होगा, जितने एम्प्लॉयर्स है, जितने कंपनीज है जो बंदे को ढूंढ रहे हैं, उनकी लिस्टिंग आपको दिखेगा। तो क्या होता है इसमें कि कोई भी अगर एक कैंडिडेट है कोई जॉब के लिए सर्च कर रहा है, वो यहाँ पर आके इन एम्प्लॉयर्स को कॉन्टैक्ट कर सकता है। अगर किसी भी एम्प्लॉयर पे क्लिक करें, फॉर एग्जांपल इस एम्प्लॉयर पे क्लिक करें, उनके बारे में ज़्यादा डिटेल देख सकता है, उनका ऑफिस किधर है, क्या टाइमिंग है, क्या जॉब ऑफर कर रहे हैं, वो सब के सब डिटेल्स यहाँ पर वो देख सकता है। और अगर इनको ये कॉन्टैक्ट करना चाहें, यहाँ से इस कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। फिर उसके बाद आपका कैंडिडेट लिस्टिंग भी है। यहाँ पर क्या होता है, जो भी कैंडिडेट आपके वेबसाइट पे साइन अप किए हैं उन सब की एक जगह पे ये पूरा लिस्टिंग दिखाएगा। इससे अगर कोई एम्प्लॉयर चाहे तो इनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है। सो इस तरीके से ये काम करता है। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ। साइन इन करता हूँ एज एन एम्प्लॉयर और आपको दिखाता हूँ डैशबोर्ड आपका कैसा नज़र आएगा और आप क्या कर सकते हैं। सो मैं एक एम्प्लॉयर के थ्रू साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ पर साइनअप का मैंने आपको पहले दिखाया एक पॉपअप। अगर आप एज एन एम्प्लॉयर साइनअप करना चाहें, रजिस्टर करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। एज ए कैंडिडेट रजिस्टर करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। जब भी कोई साइन इन करेगा, चाहे वो एम्प्लॉयर हो या फिर कैंडिडेट हो, उसे इस तरीके से डैशबोर्ड नज़र आएगा। यहाँ पर वो अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर चेंज करना चाहे कंपनी प्रोफाइल में डाल सकता है। नया जॉब अगर उसे पोस्ट करना है, पोस्ट न्यू जॉब पे क्लिक करके ये फॉर्म फिल इन करके वो जॉब भी पोस्ट कर सकता है। ओके, ये रहा वो फॉर्म, इसे वो फिल इन करके या नेक्स्ट स्टेप में वो पैकेज सेलेक्ट करेगा और उसके बाद ये फॉर्म कंफर्म हो जाएगा। अगर वो चाहे तो अपने जॉब्स को मैनेज कर सकता है, मतलब जितने भी जॉब्स उसने इस वेबसाइट पे पोस्ट किए हैं उनको एक जगह पे देख सकता है। अगर कोई जॉब की ज़रूरत नहीं उसे डिलीट कर सकता है, कोई नया जॉब यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। किसी जॉब का अगर एक्सपायरी डेट या फिर उसका जो फाइनल डेट है उसे वो इंक्रीज़ करना चाहे, बढ़ाना चाहे, वो भी कर सकता है। और पैकेज अगर नया परचेस करना चाहे, पैकेजेस पे क्लिक करेगा और यहाँ से वो पैकेज, जो भी नए पैकेज है, अगर उसे नया आगे का पैकेज चाहिए, वो भी परचेस कर सकता है।
और आई गेस सो ये रहा आपका एक छोटा सा डेमो वेबसाइट जो मैं आपको शुरू में दिखा देना चाहता था। अभी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक बेटर आइडिया होगा, आप अभी आप लोग बेटर समझ सकते होंगे ये वेबसाइट को जो आप क्रिएट करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को ये डेमो वेबसाइट पसंद आया, अगर आप लोग ये एग्जैक्ट सेम वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, मेक श्योर आप कंप्लीट वीडियो देखें ताकि कोई भी स्टेप आप मिस ना करें। और अगर आप लोग ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूं आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, अगर आपको इस वीडियो ने किसी भी तरीके से हेल्प किया, ज़रूर इसे लाइक करें, एक कॉमेंट ज़रूर करें अप्रिसिएशन के लिए, थैंक यू करने के लिए एक कॉमेंट करें, या फिर अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो मेरे लिए, फिर भी आप एक कॉमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर इस वीडियो को यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे शेयर करें, वो बहुत ही हेल्पफुल होता है मेरे लिए। और आई गेस तो चलिए ये था एक छोटा सा डेमो, अभी इस वेबसाइट को क्रिएट करना शुरू करते हैं। और आई गेस तो किसी भी तरह की वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, चाहे आपको एक जॉब लिस्टिंग वेबसाइट क्रिएट करनी हो, एक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करनी हो, सिंपल ब्लॉग या बिजनेस वेबसाइट, किसी भी तरह की वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला होता है आपका डोमेन नेम और दूसरा होता है आपका होस्टिंग। डोमेन नेम बेसिकली आपके वेबसाइट का नाम या फिर आपके वेबसाइट का यूआरएल होता है। फॉर एग्जांपल blogdude.com, youtube.com, nayashik.com, google.com, ये सब चीज़ें डिफरेंट डोमेन नेम्स है। सो हमें भी इंटरनेट पे एक डोमेन नेम रजिस्टर करना होता है ताकि जो भी जब भी आपके वेबसाइट पे आना चाहे सिंपली आपका डोमेन नेम टाइप करे और आपके वेबसाइट पे आ सके, आपके वेबसाइट पे लैंड हो सके। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है होस्टिंग, वेब होस्टिंग। सो होस्टिंग बेसिकली एक कंप्यूटर होता है जहाँ पर आपकी वेबसाइट, कंप्लीट वेबसाइट सेव होती है। सो जो ये वेबसाइट आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कंप्लीट वेबसाइट, जितने इसमें पेजेस है, जितने लिस्टिंग्स है, जितने एम्प्लॉयर्स है, जितने जॉब्स लिस्टेड है, जितने पैकेजेस हमने क्रिएट किए, कंप्लीट वेबसाइट उस कंप्यूटर में सेव्ड है। और वो कंप्यूटर 24/7 24 घंटे चलते रहती है, साल भर चलते रहती है, ताकि कोई भी आपके वेबसाइट पे किसी भी वक्त आए, किसी भी कंट्री से आए, हमेशा आपका वेबसाइट लाइव देख सके। आपका वेबसाइट हमेशा अप एंड रनिंग होनी चाहिए। और होस्टिंग आपकी वेबसाइट की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज आपकी वेबसाइट की स्पीड, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस, आपकी वेबसाइट पे जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो, और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग गूगल सर्च रिजल्ट्स में, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग, सब की सब चीज़ें डायरेक्टली होस्टिंग से रिलेटेड होती है। अगर आपने एक अच्छी और रिलायबल वेबसाइट होस्टिंग परचेस की तो आपकी वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है, आपकी वेबसाइट की हैक होने की भी चांसेस बहुत कम होते हैं। बट अगर आपने कोई चीप या घटिया सी होस्टिंग परचेस की, सो इससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट बहुत ही स्लो लोड होती है। कोई भी जब भी आपके वेबसाइट पे आता है, आपका यूआरएल टाइप करता है, आपके वेबसाइट को लोड होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जब भी कोई दूसरे पेज पे जाना चाहे या फिर कोई पोस्ट ओपन करना चाहे, उसे भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और इससे आपको गूगल में अच्छी रैंकिंग नहीं मिलती है, और एक अच्छी रिलायबल होस्टिंग ना हो तो आपकी वेबसाइट ईजिली हैक भी हो जाती है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छी और रिलायबल होस्टिंग चूज करें। बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली एक नया टैब ओपन करें और टाइप करें blogdude.com/sg। SG का फुल फॉर्म है SiteGround, और ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। सो आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक करें, आप इस पेज पे आ जाएंगे। और आई गेस तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तीन डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल है, स्टार्टअप, ग्रोबिग और गोगिक। इससे पहले कि हम कोई प्लान चूज करें और आगे बढ़े, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ हमने SiteGround क्यों चूज किया। मार्केट में लिटरली थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट होस्टिंग प्रोवाइडर्स, हज़ारों होस्टिंग प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं, उसमें से हमने SiteGround को ही क्यों चूज़ किया। अभी मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने इसे अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड चूज़ किया है, बिकॉज मैं ये यूट्यूब ट्यूटोरियल्स क्रिएट कर रहा हूँ पिछले 5-6 सालों से। मैंने इस प्रोसेस में कई सारे डिफरेंट होस्टिंग प्रोवाइडर्स ट्राई किए हैं, बिकॉज मैं ये ट्यूटोरियल्स क्रिएट करता हूँ ऑनलाइन यूट्यूब पे, लोग मुझे होस्टिंग प्रोवाइडर्स मुझे फ्री में होस्टिंग्स प्रोवाइड करते हैं ताकि मैं उसे ट्राई कर सकूं, और अगर मुझे अच्छा लगे मैं लोगों को रेकमेंड कर सकूं। सो इस प्रोसेस में मैंने बहुत सारे डिफरेंट होस्टिंग प्रोवाइडर्स ट्राई किए हैं, जैसे कि होस्टगेटर, SiteGround, TMD होस्टिंग, ब्लू होस्ट, A2 होस्टिंग, GoDaddy, बहुत सारे डिफरेंट होस्टिंग प्रोवाइडर्स मैंने ट्राई किए हैं। और मेरे एक्सपीरियंस में सबसे बेस्ट SiteGround है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ स्पीड, इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड सपोर्ट, हर चीज़ के हिसाब से SiteGround मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस में सबसे बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर है। इसीलिए मेरे खुद के पर्सनल वेबसाइट्स भी SiteGround पे होस्टेड है। मेरा मेन वेबसाइट blogdude.com SiteGround पे होस्टेड है, और भी वेबसाइट्स जैसे कि nayashik.com, fahm.in, ये सब वेबसाइट्स भी SiteGround पे ही होस्टेड है। इसलिए मैं SiteGround चूज कर रहा हूं।
अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन डिफरेंट प्लान है। बेसिकली अगर आपको ये एग्जैक्ट सेम वेबसाइट क्रिएट करना है, आप तीनों में से कोई भी प्लान चूज करें और आप फिर भी सेम टू सेम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। बट पहले मैं आपको तीनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो प्लान चूज करने में। सबसे पहले एक प्लान चूज़ करते हैं, सो उससे आप कितने वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आपने स्टार्टअप चूज़ किया आप एक वेबसाइट, और अगर आपने ग्रो भी किया गोगिक चूज़ किया तो आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आज आप ये वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं, ये जॉब लिस्टिंग वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं, अगर आपने स्टार्टअप प्लान चूज़ किया आप ये वेबसाइट ईजिली क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट कल को अगर आपको कोई दूसरी वेबसाइट क्रिएट करनी हो और अगर आपने स्टार्टअप चूज़ किया है सो आपको एक नया प्लान परचेस करना पड़ेगा, बिकॉज इस प्लान के साथ आप एक ही वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने ग्रो बिग या गोगिक प्लान चूज़ किया सो आज आप ये जॉब लिस्टिंग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, कल को अगर आपको कोई दूसरी वेबसाइट ऐसे 10 वेबसाइट 100 वेबसाइट क्रिएट करने हैं फिर भी आपको नया प्लान परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब के सब वेबसाइट्स को एक ही सिंगल प्लान में होस्ट कर सकते हैं। ये होता है अनलिमिटेड वेबसाइट्स। सेकेंड आपका ऑप्शन यहाँ पर है कितना वेब स्पेस आपको मिलता है। सो यहाँ पर स्टार्टअप में 10, ग्रो बिग में 20 और गो गिग में 30 GB वेब स्पेस मिलता है। मैं आपको समझा दूँ आपको कितने वेब स्पेस की एक्चुअली ज़रूरत है। सो अगर आप इस वेबसाइट को देखें, ये कंप्लीट वेबसाइट, इसमें बहुत सारे डिफरेंट लिस्टिंग्स है, 100 से ज़्यादा लिस्टिंग्स है, 50 से ज़्यादा पेजेस है, कितने सारे प्लान्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मीडिया बहुत ज़्यादा है, फिर भी ये कंप्लीट वेबसाइट का स्पेस, ये कंप्लीट वेबसाइट का साइज सिर्फ 200 MB है। मतलब अगर आपने सपोज ग्रोबिक प्लान भी सेलेक्ट किया तो 20 GB वेब स्पेस में आप ऐसे 100 वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये स्पेस, ये वेब स्पेस SSD स्पेस है। नॉर्मली ज़्यादातर होस्टिंग प्रोवाइडर्स HDD स्पेस यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर साइड ग्राउंड पे ये लोग SSD स्पेस यूज़ कर रहे हैं। HDD प्लान जो ज़्यादातर कंपनीज यूज़ करते हैं, अगर आपका वेबसाइट उस पर होस्टेड है सो आपका वेबसाइट बहुत ही स्लो चलता है, आपकी वेबसाइट पे लेटेंसी बहुत ही हाई होती है, मतलब आपकी वेबसाइट काफ़ी लेट होती है, वेबसाइट में और सर्वर के रिस्पांस टाइम में काफ़ी डिफरेंस होता है, सो आपकी वेबसाइट बहुत स्लो चलती है। बट यहाँ पर ये लोग SSD स्पेस यूज़ करते हैं जिसकी लेटेंसी बहुत लो होती है और उससे आपका वेबसाइट काफ़ी फास्ट चलता है, बिकॉज सर्वर टाइम में और आपकी वेबसाइट के रिस्पॉन्स में एक बहुत ही कम टाइम का डिफरेंस होता है। इन शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स, SSD स्पेस HDD से बहुत ही फास्ट और रिलायबल होता है, और यहाँ पर ये लोग SSD स्पेस यूज़ कर रहे हैं। मतलब अगर आपकी वेबसाइट इस पर होस्टेड होगी आपकी वेबसाइट भी बहुत ही फास्ट और रिलायबल होगी। यहाँ थर्ड चीज़ जो इन्होंने दिया है ये है, ये बेसिकली आपके वेबसाइट को आपको एक आइडिया देने के लिए दिया है कि कौन सा प्लान किस टाइप की वेबसाइट के लिए बेटर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रो बिग प्लान उन वेबसाइट्स के लिए बेटर है जिनको अराउंड 25,000 मंथली विजिटर्स मिलते हैं, गो गिग प्लान उन वेबसाइट्स के लिए बेटर है जिनको 1 लाख से ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा मंथली विजिटर्स मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ एक मिसकंसेप्शन है, उनको एक गलत फहमी हो जाती है कि अगर ग्रो बिग प्लान उन्होंने सेलेक्ट किया और अगर उनके वेबसाइट पे 25,000 से ज़्यादा मंथली विजिटर्स आते हैं सो उनको प्लान अपग्रेड करना होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है। अगर आपने ग्रो बिग प्लान चूज़ किया और अगर आपके वेबसाइट पे 50-60,000 से भी ज़्यादा मंथली विजिटर्स है फिर भी ग्रो बिग प्लान आपके वेबसाइट को ईजिली हैंडल कर सकता है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। और हर प्लान के साथ आपको काफ़ी एसेंशियल फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे डेमो वेबसाइट को देखें यहाँ पर आपको ये लॉक पैड मिलेगा URL बार में, अगर आप उस पर क्लिक करें आपको मैसेज आएगा कनेक्शन इज सिक्योर, ये होता है SSL सर्टिफिकेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट नहीं है, कोई भी अगर आपके वेबसाइट पे आएगा तो गूगल क्रोम उस बंदे को बोलेगा, उस विजिटर को बोलेगा कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है, और अगर आपके वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट नहीं है आप अपने वेबसाइट पे पेमेंट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। सो अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करना है पैकेजेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, और अगर आपके पास SSL नहीं है आप नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमको फ्री SSL सर्टिफिकेट मिल रहा है, हमें फ्री बिजनेस ईमेल अकाउंट्स भी मिल रहा है, मतलब एक रेगुलर ईमेल अकाउंट की जगह बिजनेस ईमेल अकाउंट, रेगुलर ईमेल अकाउंट जैसे कि nayyar@gmail.com, सो उसकी जगह आप ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं nayyar@blogdude.com या फिर admin@blogdude.com, इस तरीके का ईमेल अकाउंट भी आप क्रिएट कर सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स। हमें फ्री Cloudflare CDN भी मिलता है, और इससे ये होता है कि आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी और भी अच्छी और भी टाइट हो जाती है। फिर आपको फ्री डेली बैकअप्स भी मिलते हैं, सो अगर आपके वेबसाइट पे कुछ हो भी जाए, अगर आपकी वेबसाइट हैक भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी आपके पास डेली बैकअप रहता है, आप सिंपली उसे अपने वेबसाइट पे लाके रिस्टोर कर सकते हैं।
आपको 24/7 सपोर्ट भी मिलता है। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने में, SSL इंस्टॉल करने में, या फिर किसी भी टाइप की वेबसाइट में प्रॉब्लम है, आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, ये लोग आपकी हेल्प करेंगे। और आई गेस सो बेसिकली तीन डिफरेंट प्लान्स हैं। मैं ज़्यादातर लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि आप लोगों को ग्रो बिग प्लान से सेलेक्ट करना चाहिए, शुरू करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा वेब स्पेस यहाँ पर अवेलेबल है, और ये ज़्यादा यू नो स्ट्रांग सर्वर है आपका। सो आपको रिकमेंड करूँगा आप ग्रो बिग प्लान सेलेक्ट करें, इसे सेलेक्ट करें और गेट प्लान बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप उस गेट प्लान बटन पे क्लिक करेंगे, आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर अभी आपको एक नया डोमेन नेम रजिस्टर करना होता है। सो जो भी डोमेन नेम आपको रजिस्टर करना है, सिंपली यहाँ पर टाइप इन कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये डोमेन नेम रजिस्टर करना है, नैयर शेख, मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ नैयर शेख, और .com.in.net.biz.info, जो भी डोमेन नेम एक्सटेंशंस आपको पसंद हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे डोमेन नेम एक्सटेंशंस यहाँ पर अवेलेबल है। सो बेसिकली सिंपली अपना डोमेन नेम टाइप करें, परफेक्ट डोमेन नेम एक्सटेंशन सेलेक्ट करें, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दें। अगर आपने पहले ही कहीं ऑलरेडी डोमेन नेम रजिस्टर कर रखा है, जैसे कि बहुत सारे लोग GoDaddy या Namecheap जैसे वेबसाइट पे डोमेन नेम रजिस्टर करके रखते हैं, सो आप सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, आई ऑलरेडी हैव अ डोमेन नेम। अपना डोमेन नेम टाइप करें और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपको ये पेज मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको आपका अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंटर करना है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आपको आपका ईमेल एड्रेस और आपको आपका पासवर्ड एंटर करना है। ईमेल एड्रेस में ऑब्वियसली सिंपली आप अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस जो भी वो है आप टाइप कर दें, और पासवर्ड में जो भी आपको पासवर्ड पसंद हो, सेम पासवर्ड आप कन्फर्म पासवर्ड में भी टाइप कर दीजिए। अभी जो भी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आप यहाँ पर टाइप करेंगे, ये आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स हो जाएगा, ये आपका लॉगिन डिटेल्स हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी आपको साइटग्राउंड पे लॉगिन करना है, आपको ये ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करना होगा। सो जो भी आप यहाँ पर टाइप करें, मेक श्योर इस ईमेल एड्रेस और पासवर्ड को आप याद रखें। उसके बाद क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको एंटर करना है, आपका कंट्री नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका कंपनी नेम। बेसिकली कंपनी नेम और टैक्स आईडी कंपलसरी नहीं है, ये दो चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। आपका एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप एंटर कर दें। फिर नीचे आइए, यहाँ पर आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन आपका एंटर करना है। सो यहाँ पर आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपके ATM कार्ड का डिटेल्स डाल दें, कार्ड पे जो एक्सपायरी डेट दी है वो डाल दें, कार्ड के पीछे जो 3 डिजिट का CVV नंबर है, कार्ड होल्डर नेम, ये सब चीज़ें यहाँ पर डाल दें। यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करें कि 3 टाइप के कार्ड्स एक्सेप्टेड है, वीज़ा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस। और अगर आप इंडिया से हैं, अगर आपके पास रुपे कार्ड है, सो वो यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं है, बिकॉज रुपे कार्ड एक डोमेस्टिक कार्ड है, वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही अवेलेबल है, इंडिया के अंदर ही आप यूज़ कर सकते हैं, इंडिया के बाहर उसे यूज़ नहीं कर सकते। सो अगर आपके पास रुपे कार्ड है, आप यहाँ पेमेंट नहीं कर सकते, बेटर गेट अ वीज़ा और अ मास्टर कार्ड। अगर आप चाहें तो अपने बैंक को कांटेक्ट कर सकते हैं, विदिन 7 डेज 7 दिन के अंदर में वो लोग आपके कार्ड को मास्टर या रुपे कार्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको आपका परचेस इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आप कुछ भी चेंज ना करें, सिर्फ हर चीज़ आपको चेक करना है। प्लान में हमने ग्रोबिक प्लान सेलेक्ट किया है, डेटा सेंटर लोकेशन आपके लिए ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है आपके लोकेशन के हिसाब से। बिकॉज मैं इंडिया से हूँ, मेरे लिए सिंगापुर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो चुका है। पीरियड में आप 12 मंथ रहने दें, इसे बिल्कुल चेंज ना करें, वरना आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं। अभी बॉटम में आइए, ये दोनों चीज़ों को टिक मार्क कर दें। अभी आप देखेंगे आपका टोटल पेमेंट होता है $71, जो बहुत ही छोटा पेमेंट है अगर आप इसे कंपेयर करें दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर से। बिकॉज जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, साइटग्राउंड मेरे एक्सपीरियंस में No.1 होस्टिंग प्रोवाइडर है, और ये No.1 होस्टिंग प्रोवाइडर को आपको सिर्फ $71 में कंप्लीट 1 साल का होस्टिंग मिलता है। अगर आप कोई रेगुलर होस्टिंग भी देखें तो उसमें भी आपको $100 से ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। सो यहाँ पर आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल रहा है। सो एक बार मैं आपको रेकमेंड करूँगा, फिर ऊपर जाए जो भी डिटेल्स आपने एंटर किए हैं, एक बार उसे चेक कर ले। अगर सब चीज़ें ठीक है, नीचे आके पे नाउ पे क्लिक कर दें। जैसे आप पेमेंट कर दें, उसके बाद आप एक नया टैब ओपन करें और टाइप करें my.siteground.com। आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको वो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करना है जो आपने पिछले स्टेप में अकाउंट इन्फॉर्मेशन में एंटर की थी। सो पिछले स्टेप में अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जो भी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपने एंटर की थी, सेम ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहाँ पर डाल के साइन इन कर दें। जब आप साइन इन करेंगे, आप इस पेज पे आ जाएंगे, उसके बाद वेबसाइट्स पे क्लिक कर दें। अभी आप देखेंगे जो भी वेबसाइट्स आपने इस पे होस्ट किए हैं, सबके सब वेबसाइट्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। हमने ये वाला वेबसाइट या फिर ये वाला डोमेन नेम रजिस्टर किया है, nayashekh.com। आपने जो भी डोमेन नेम रजिस्टर किया होगा, आपको वो यहाँ पर नजर आएगा, और हर डोमेन नेम के नीचे आपको ये बटन मिलेगा साइट टूल्स का, उस बटन पे क्लिक कर दें। अभी यहाँ पर 2 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि अभी अभी आपने एक नया डोमेन नेम रजिस्टर किया है साइट ग्राउंड के साथ,
और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपने पहले ही एक डोमेन नेम रजिस्टर कर रखा है गोडैडी या फिर किसी और वेबसाइट पे। सो अगर आपका डोमेन नेम साइटग्राउंड के बाहर है, कहीं और रजिस्टर्ड है, पहले आपको अपने के डोमेन नेम को साइटग्राउंड से लिंक करना होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे करते हैं। सो मैं godaddy.com पे जाता हूँ, आप वो वेबसाइट पे जाइए जहाँ पर आपने अपना डोमेन नेम रजिस्टर कर रखा है, साइन इन कीजिए। अभी यहाँ पर आपको आपके जितने भी डोमेन नेम्स हैं सबके सब दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये डोमेन नेम को ट्राइटन गिफ्ट्स को रजिस्टर करना है या फिर लिंक करना है साइटग्राउंड के साथ, आप इस डोमेन नेम को सेलेक्ट करेंगे और हर डोमेन नेम के साइड में बगल में आपको ये DNS का लिंक मिल जाएगा, DNS का बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर दे DNS के बटन पर। यहाँ पर आपको DNS नेम सर्वर्स आपको मिल जाएंगे, आप चेंज पे क्लिक करें और जो भी नेम सर्वर्स यहाँ पर दिए हुए हैं उनको यहाँ से आप डिलीट कर दें। फिर से अपने साइटग्राउंड वाले वेबसाइट पे आइए, नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर आपका पर्सनल नेम सर्वर्स है। पहले नेम सर्वर को कॉपी करके यहाँ पर पहले लाइन में पेस्ट कर दें, दूसरे वाले नेम सर्वर को कॉपी करके यहाँ दूसरे लाइन में पेस्ट कर दें, उसके बाद सेव पे क्लिक कर दें। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे इसको होने में, इस डोमेन नेम को साइटग्राउंड से लिंक होने में अराउंड 24 आवर्स 24 घंटे तक लग सकते हैं। उस टाइम तक हम कुछ और भी काम कर लेते हैं। आप अपने वेबसाइट पे आइए, यहाँ पर हम अभी अपने वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए आप सिक्योरिटी पे क्लिक करें, उसके अंडर में आपको SSL मैनेजर मिलेगा, उस पर क्लिक करें। अभी आप यहाँ से अपना डोमेन नेम सेलेक्ट कर लें। सो जो भी डोमेन नेम पर आपको SSL इंस्टॉल करना है, इस एग्जाम्पल में मैं ये वाला ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ, careerfight2.nayashik.com। सो आप अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करें, सेलेक्ट SSL में आप लेट्स इनक्रिप्ट ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें और गेट पे क्लिक कर दें। इसके बाद 2 मिनट के अंदर में आपके डोमेन नेम पर SSL सर्टिफिकेट 100% इंस्टॉल हो जाएगा। मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरे डोमेन नेम पर आप देख सकते हैं पहले से एक्टिव है, पहले से SSL इंस्टॉल्ड है। आपको सिंपली गेट पे क्लिक करना है। जैसे आप अपने डोमेन नेम पर SSL इंस्टॉल कर ले, उसके बाद आप अपने वेबसाइट पे अपने डोमेन नेम पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड से वर्डप्रेस पे क्लिक करें, इंस्टॉल एंड मैनेज पे क्लिक करें। 2 ऑप्शंस मिलेंगे, आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले वर्डप्रेस का, उसके बाद आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। पहले तो आप अपना डोमेन नेम सेलेक्ट कर ले जिस पे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। मैं ये वाला डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इंस्टॉलेशन पाथ में कुछ भी ना करे, जैसा है ये वैसा रहने दे, लैंग्वेज को भी छोड़ दे। यहाँ पर आइए, अभी आपको ये स्टार्टअप प्लगइन मिलेगा, इसे अनटिक कर दें। हमें इस स्टार्टअप प्लगइन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप इसे अनटिक कर दें। अभी आपको आपके लिए एक यूज़र नेम चूज़ करना है। सो जो भी यूज़र नेम आपको पसंद हो सिंपली यहाँ पर चूज़ कर ले उसे। उसके बाद आप अपने लिए जो भी आप एक पासवर्ड रखना चाहे वो पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर दे और अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस यहाँ पर टाइप कर दे। अभी ये यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल एड्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज नेक्स्ट स्टेप में जब भी आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आना चाहेंगे आपको ये यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना होगा। सो मेक श्योर इन दोनों को भी आप याद रखें, इन दोनों को भी कहीं लिख लें। जैसे आप ये सब डिटेल एंटर कर दें उसके बाद सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। अभी आपके डोमेन नेम पर वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। इस प्रोसेस को 10 से 12 सेकंड्स लगते हैं, सो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। और आई गेस तो आप देख सकते हैं आपके वेबसाइट पे वर्डप्रेस सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप अभी नीचे देखें आपको ये लिंक मिलेगा, आपका डोमेन नेम, और उसके साइड में आपको ये बटन मिलेगा लॉग इन टू एडमिन पैनल, उस बटन पर क्लिक कर दें। अभी एक नया टैब ओपन हो जाएगा और आपको कुछ इस तरीके से पेज मिलेगा। अभी ये पेज जो है ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पेज है, ये है आपका डैशबोर्ड। और जब भी आप अपने डैशबोर्ड पे आना चाहेंगे आपको ये टाइप करना होगा। आप अपना वेबसाइट नेम टाइप करें, जो भी आपका वेबसाइट नेम है, और उसके एंड में ये टाइप करें /wp-admin। सो अगर आपके वेबसाइट का नाम फॉर एग्जाम्पल google.com है, सो google.com/wp-admin ये टाइप करें, आप अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। और जब भी आप नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं किसी नए डोमेन पे, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझनी होती है और कुछ बेसिक चेंजेस है जो आपको अपने वेबसाइट पे करने होते हैं। तो चलिए वो सब चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से आपको कुछ ऑप्शन है, हम सब के सब ऑप्शन यूज़ करेंगे यहाँ से आगे वीडियो में। पहले तो ये आपका डैशबोर्ड का ऑप्शन है और यही है आपका डैशबोर्ड जो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद आपका पोस्ट का ऑप्शन है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप देख सकते हैं आपने जो भी पोस्ट क्रिएट किए हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। कोई नया पोस्ट या नया ब्लॉग क्रिएट करना है सो आप ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आपका मीडिया का ऑप्शन है, यहाँ पर जो भी आपके वेबसाइट पे आपने अपलोड किया है मीडिया, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस, सब के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर पेजेस का ऑप्शन है, यहाँ पर जो भी पेजेस आप क्रिएट करें वो आपको दिखाएगा। पेजेस को डिलीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, कोई नया पेज आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। फिर कमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर जितने कमेंट्स आपके वेबसाइट पे हैं उनको आप देख सकते हैं। अगर कमेंट को अप्रूव करना है, स्पैम करना है, डिलीट करना है, जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं।
फिर आपका अपीयरेंस का ऑप्शन है। जब आप अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे आपको दिखेगा यहाँ पर काफ़ी सारे थीम्स आपके लिए पहले से इंस्टॉल्ड है। थीम क्या होता है? थीम बेसिकली आपके वेबसाइट का डिज़ाइन होता है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। आप एक काम करें, अपने वेबसाइट को नए टैब में ओपन करें। अभी आप देखेंगे आपका वेबसाइट कुछ इस तरीके से नजर आएगा। सो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज हमने ये थीम इंस्टॉल एक्टिवेट किया 2020 थीम। थीम जैसे आप चेंज करेंगे आपका वेबसाइट का डिज़ाइन भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं 2019 थीम को एक्टिवेट कर देता हूँ। अभी आपने देखा हमने कुछ भी नहीं किया अपने वेबसाइट पे, हमने सिर्फ एक काम किया, दूसरे थीम को एक्टिवेट कर दिया। फिर से अगर आप अपने वेबसाइट पे आके इसे रिफ्रेश करें आप देखेंगे आपके वेबसाइट का स्टाइल कम्प्लीटली चेंज हो गया। अभी ये कुछ नया वेबसाइट, कुछ टोटली डिफरेंट वेबसाइट लग रहा है। सो ये होता है थीम। जब भी आपको अपने वेबसाइट का डिज़ाइन चेंज करना हो आप अपने वेबसाइट का थीम चेंज करते हैं। हमेशा आपके पास एक ही थीम होनी चाहिए। सो जो एक्स्ट्रा थीम्स है आप उनको यहाँ से डिलीट करते इस तरीके से, उन पे क्लिक करें, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर या फिर बॉटम राइट कॉर्नर में आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दें। फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्लगइन्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। यहाँ पर आप देखेंगे एक प्लगइन आपके लिए पहले से इंस्टॉल एक्टिवेटेड है, SG ऑप्टिमाइजर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन है बिकॉज ये प्लगइन आपकी वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इंप्रूव करता है, और भी ज़्यादा बेटर करता है। और ये प्लगइन आपको उसी टाइम नज़र आएगा अगर आप साइड ग्राउंड यूज़ कर रहे हैं। अगर आप साइड ग्राउंड यूज़ नहीं कर रहे हैं आपको ये प्लगइन नहीं नज़र आएगा। और प्लगइन क्या होता है? प्लगइन बेसिकली एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी वेबसाइट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और फंक्शनैलिटीज ऐड करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारे वेबसाइट पर कोई भी फीचर फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपने वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट में कन्वर्ट करना होता है सो उसके लिए एक प्लगइन होता है WooCommerce। वो प्लगइन आपको इंस्टॉल एक्टिवेट करना होता है। वो प्लगइन आपके वेबसाइट में सब के सब ई कॉमर्स से रिलेटेड फीचर्स डाल देता है। आगे चल के आप और भी बेहतर तरीके से उनको समझ सकते हैं। अभी लेफ्ट हैंड साइड में आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। अभी यहाँ सबसे पहले आपका साइट टाइटल और टैगलाइन होता है। साइट टाइटल बेसिकली आपके वेबसाइट का नाम होता है। सो अगर आपके वेबसाइट को कुछ नाम देना है आप इसे यहाँ से चेंज कर दें। टैगलाइन में इसे डिलीट कर दें और आपके वेबसाइट को डिस्क्राइब करें। आपके वेबसाइट के बारे में कुछ टाइप करना है, कुछ डिस्क्राइब करना है, दो चार वर्ड में आप अपने वेबसाइट को यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ये दो ऑप्शंस मिलेंगे, वर्डप्रेस एड्रेस और साइट एड्रेस। अगर आपको यहाँ पर HTTP लिखा हुआ नज़र आ रहा है सो आप P के बाद S ऐड कर दें, इसे HTTPS बना दें, ऊपर भी और नीचे भी। ओके, मेक श्योर ये HTTPS है बिकॉज अगर आप अपने वेबसाइट पे अभी आके देखें यहाँ पर ये बोल रहा है नॉट सिक्योर, आपका वेबसाइट का कनेक्शन अभी सिक्योर नहीं है। सो हमें ऊपर नीचे दोनों को HTTPS बनाना होता है। उसके बाद मेंबरशिप का ऑप्शन मिलेगा, आप इसे टिक मार्क कर दें, एनीवन कैन रजिस्टर। अगर आपने इसे टिक मार्क नहीं किया कोई भी आपके वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाएगा। अभी बॉटम में जाइए और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। अभी ये आपको लॉग आउट कर देगा। यहाँ पर आपको यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करके लॉग इन करना है फिर से। अगर आप अपने वेबसाइट पर आके फिर से रिफ्रेश करें अगर अभी भी आपको ये नॉट सिक्योर मिल रहा है आप किसी भी लिंक पर क्लिक कर दें। अभी आप देख सकते हैं आपका वेबसाइट 100% सिक्योर हो चुका है। अभी आप फिर से अपने डैशबोर्ड पे आइए, सेटिंग्स के अंडर में आप परमालिंक्स पे क्लिक कर दें। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एक अजीबोगरीब स्ट्रक्चर आपके लिए है। आप सिंपल वाला पोस्ट नेम वाला स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लें, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। फिर से अपने डैशबोर्ड पे आइए। अभी ये डैशबोर्ड पे कुछ चीज़ें हैं जो विजेट्स हैं जो यूज़फुल नहीं है सो हम इनको यहाँ से हटा देते हैं, डिसमिस कर दीजिए। स्क्रीन ऑप्शन पर क्लिक करें जो आपको टॉप पर है, सबको यहाँ से अनटिक कर दें। आगे चल के अब बिकॉज हम नया थीम और नया प्लगइन यूज़ करेंगे हमको कुछ यूज़फुल कुछ काम के विजेट्स मिलेंगे जो यहाँ पर हम डालेंगे। और आई गेस सो इसी के साथ आपके बेसिक चेंजेस बेसिक सेटिंग्स होते हैं कंप्लीट। और आई गेस अगर आप अभी देखें अपने वेबसाइट को ये काफ़ी सिंपल काफ़ी बोरिंग लग रहा है सो अभी हम इस वेबसाइट को इस बोरिंग से वेबसाइट को कुछ इस तरीके से अमेजिंग से वेबसाइट में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया इसके डिज़ाइन को चेंज करने के लिए हमें एक नए थीम की ज़रूरत होगी। और वो थीम लेने के लिए आप एक काम करें, सिंपली नया टैब ओपन करें और टाइप करें blogtoot.com/careerfy। ये लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सिंपली उस लिंक पर क्लिक करें और आप इस पेज पर आ जाएंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी इसके तमाम फीचर्स है सबके सब आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं, कितने डिज़ाइन इसमें अवेलेबल हैं, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, सब के सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। टॉप पे अगर आप जाएं तो इसका देखेंगे प्राइस है $89। तो ये एक प्रीमियम थीम है, हमें इसे परचेस करना होगा। बट यहाँ सबसे अच्छी बात इस थीम की ये है कि ये $89 वन टाइम पेमेंट है, मतलब आपको सिर्फ इसे एक बार पेमेंट करना है। एक बार आपने इसे परचेस किया फिर आप हमेशा के लिए इसे अपने पास रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और फ्यूचर में भी इसके जितने अपडेट्स आएंगे, जब भी ये थीम अपडेट होगा, जब भी नए फीचर्स नए फंक्शनैलिटीज में ऐड किए जाएंगे,
सब के सब चीज़ें आपको फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे, आपको फिर से इसका नया अपडेट परचेस करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी सबसे अमेजिंग बात इसमें यह है कि आपको 6 मंथ का सपोर्ट भी मिलता है। सो अगर आपने थीम परचेस किया और अगर आपको कुछ एरर आ रहा है, फॉर एग्जांपल आप जॉब नहीं क्रिएट कर पा रहे, सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी थीम से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, 6 मंथ्स तक थीम परचेस करने से आप इन लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे। सो हमें ये थीम परचेस करना होता है, आप सिंपली गो हैड और इसे परचेस कर ले। मैं नहीं करूँगा बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास ये थीम फाइल है। सो वंस आप इसे परचेस कर ले, एक बार आप इसे परचेस कर ले, उसके बाद टॉप राइट पे आपको ये यूज़र नेम मिलेगा, उस पर अपना माउस कर्सर लेके जाए और इसके अंडर में आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दे। अभी यहाँ पर जो भी थीम्स और प्लगइन्स आपने परचेस किए सब के सब आप देख सकते हैं। सिंपली आप उस थीम पे जाइए, करियर फाइव थीम पे डाउनलोड पे क्लिक करें। अभी यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप सिंपली सेकेंड वाला सेलेक्ट करें, इंस्टॉलेबल वर्डप्रेस फाइल ओनली। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे एक नया फाइल डाउनलोड होना शुरू होगा। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ बिकॉज ये फाइल मेरे पास ऑलरेडी है। मेक श्योर आप फर्स्ट वाला डाउनलोड ना करें, आप सेकेंड वाला डाउनलोड करें, इंस्टॉलेबल वर्डप्रेस फाइल ओनली। जैसे आप ये फाइल डाउनलोड कर ले, फिर से अपने डैशबोर्ड पे आइए, लेफ्ट हैंड साइड पे अपीयरेंस पे क्लिक करें, यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करें, अभी अपलोड थीम पे क्लिक करें। अभी जो फाइल अभी आपने डाउनलोड किया है उसे यहाँ पर अपलोड कर दें। सो मैं इसे ढूंढ लेता हूँ। ओके, ये रहा वो फाइल, इसे सिंपली सेलेक्ट करें, करियर फाइव थीम, इसे ओपन कर दें और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें। अभी आपका थीम इंस्टॉल होना शुरू हो गया है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। जैसे ये इंस्टॉल हो जाए आपको ये ऑप्शन मिलेगा, आपको इस एक्टिवेट लिंक पे क्लिक करना है। अभी सबसे पहले हम एक काम करते हैं, बिकॉज हमारे पास ये थीम आ चुकी है, अभी हमें इस थीम की भी ज़रूरत नहीं, 2019 थीम की, इसे भी आप यहाँ से डिलीट कर लें। हमेशा आपके पास सिर्फ एक थीम होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये नोटिस मिलेगा, दिस थीम रिक्वायर्स द फॉलोइंग प्लगइन। इस लिंक पे क्लिक करें, बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन, और इस प्लगइन को यहाँ से इंस्टॉल कर लें। जैसे ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद इस लिंक पे क्लिक करें, रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर, अभी इसे एक्टिवेट कर लें। इसे एक्टिवेट करने के बाद अगर आप अभी डैशबोर्ड पे आएंगे, फिर आपको एक नोटिस मिलेगा, आपको ये सेटअप मिलेगा। हमें ये सेटअप करने की ज़रूरत नहीं, सो सिंपली इस पर क्लिक करें, नॉट राइट नाउ, फिर आपको ये ऑप्शन मिलेगा। अभी आपको ये सब प्लगइन्स यहाँ से इंस्टॉल करने हैं, उसके लिए एक एक करने के बजाय आप सिंपली इस पर टिक मार्क करिए, सब के सब प्लगइन्स को टिक मार्क कर देगा। बल्क एक्शन से इंस्टॉल पे क्लिक करके अप्लाई कर दें। अभी आपके सबके सब प्लगइन्स एक साथ इंस्टॉल होना शुरू हो चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं सब प्लगइन्स इंस्टॉल हो चुके हैं। फिर से इस लिंक पे क्लिक करें, रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर, अभी आपको सबको एक्टिवेट करना होगा। फिर से इस पे टिक मार्क करिए, सबको सेलेक्ट कर लेगा। बल्क एक्शन से एक्टिवेट पे क्लिक करके अप्लाई कर दें, सबके सब प्लगइन्स एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे। और गाइस, तो अभी आप एक काम करें, डैशबोर्ड पे जाइए, अभी यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट विजिट्स देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे अच्छे यूजफुल विजिट्स आपको यहाँ से मिल गए हैं। और अगर आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस मिले, डिसमिस कर दे ये सब नोटिसेस को, डिसमिस कर दे। अभी इन ऑप्शंस को आप इस तरीके से अलाइन कर ले ताकि ये बेहतर तरीके से आपको नजर आए। अभी यहाँ पर जितने जॉब्स आपके वेबसाइट पर आए सब के सब चीज़ें आप ऊपर से ही डैशबोर्ड से ही देख सकते हैं। अभी हम इस वेबसाइट को क्रिएट करना शुरू करते हैं, सेटअप करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊँगा। सो कोई भी वेबसाइट का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि कोई आपकी वेबसाइट पे आए, साइन अप करे। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉयर आएगा आपके वेबसाइट पे, आएगा, साइन अप करेगा, रजिस्टर करेगा, फिर एक जॉब पोस्ट करेगा। सो सबसे पहले हम उससे रिलेटेड सेटिंग्स देख लेते हैं। सो अगर आप इस पेज पे आए, अपने डेमो वेबसाइट पे आए, जब भी कोई पोस्ट न्यू जॉब पे क्लिक करता है, यहाँ पर जब भी जॉब पोस्ट करना होता है जॉब के कुछ सेटिंग्स देने होते हैं। फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पर जब भी कोई जॉब नया पोस्ट करने आएगा उसे जॉब का टाइटल डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसे जॉब का सेक्टर चूज़ करना पड़ेगा, जॉब का टाइप चूज़ करना पड़ेगा, जॉब के किस टाइप का रिक्वायर्ड, क्या क्या रिक्वायर्ड स्किल्स है उसके लिए, क्या करेंसी है, ऑफर्ड सैलरी क्या है, ये सब चीज़ें उसे चूज़ करनी होगी। सो ये सब जो चीज़ें हैं हमें फर्स्ट ये क्रिएट करना होगा ताकि एक हम उनको लिस्ट दे और वो उस लिस्ट में से जो भी चाहे उसे चूज़ कर सके। सो सबसे पहले हम जॉब सेक्टर, जॉब टाइप, सैलरी और अदर इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए आप अपने डैशबोर्ड पे आएंगे, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जॉब सेक्टर्स, सेक्टर्स के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर्स का ऑप्शन दिखेंगे, उस पर क्लिक करें। अभी यहाँ से हम एक एक करके सेक्टर्स क्रिएट करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेक्टर हो सकता है मार्केटिंग का, सेल्स का सेक्टर, सो हम यहाँ पर डाल देंगे मार्केटिंग / सेल्स। फिर आप एक काम करेंगे, स्लग ये सब को छोड़ दें। इसके लिए अगर आप कोई चाहे तो आइकन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, अगर कोई भी एक ऐसा सेल्स का आइकन या फिर कोई भी इस तरीके का आइकन अगर आपको पसंद आए। फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए ये आइकन चूज़ कर लेता हूँ, जो भी आइकन आपको पसंद आए उसे चूज़ करके ऐड न्यू सेक्टर पर क्लिक कर दें। ओके, एक सेक्टर आपका क्रिएट हो गया। अगर उसके बाद आपको दूसरा सेक्टर क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल ऑटोमोटिव एक सेक्टर हो सकता है, सो मैं यहाँ पर ऑटोमोटिव टाइप कर देता हूँ। उसके बाद ऑटोमोटिव के लिए जो भी आपको आइकन पसंद हो
मैं एक कार का आइकन यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके, इसी हिसाब से जो भी आपको जितने भी सेक्टर्स क्रिएट करने हैं इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने काफ़ी सारे सेक्टर्स क्रिएट किए हैं, अकाउंटिंग, फिनेंस, ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जितने भी आप चाहें यहाँ से सेक्टर चूज़ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी आप ये सेक्टर्स क्रिएट कर लेंगे, जब भी कोई एम्प्लॉयर आपके वेबसाइट पे आएगा और जॉब क्रिएट करने जाएगा, उसे ये सब ऑप्शंस मिलेंगे और उसे इसमें से कोई एक सेक्टर चूज़ करना होगा। उसके बाद चलिए अभी हम जॉब टाइप्स क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रीलांस, फुल टाइम, पार्ट टाइम, जो भी टाइप के जॉब्स है, अब हम ये टाइप्स क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए फिर से अपने डैशबोर्ड पे आइए। अभी आपको जॉब्स का ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, उस पर हवर करें, यानी उस पर अपना माउस कर्सर लेके जाइए। अभी उसके अंडर में आपको जॉब टाइप मिलेगा, उस पर क्लिक कर दें और यहाँ पर जो भी आपके टाइप्स हैं उसको टाइप कर दें। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फुल टाइम टाइप कर देता हूँ, फुल टाइम जॉब। अभी आप नेम टाइप करेंगे, नीचे आएंगे तो आपको इसको कलर देना होगा। अभी ये कलर किस काम में आएगा मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब्स पेज पे जाएं, यहाँ पर आप देखेंगे जो भी हर टाइप के जॉब को हमने एक डिफरेंट कलर दिया हुआ है। इसे लोड होने दें। जैसा कि आप देख सकते हैं, पार्ट टाइम का कलर हमने ये ऑरेंज कलर दिया है, फुल टाइम का कलर ये ब्लू कलर दिया है, टेम्प्रेरी का कलर ये रेड कलर है, फ्रीलांस का ये येलो ये ग्रीन कलर है। सो जो भी चाहें आप, जिस टाइप को जो कलर देना चाहें इस तरीके से दे सकते हैं। सो ये फुल टाइम को मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे ये पर्पल कलर दे देता हूँ। ओके, और टेक्स्ट कलर को हमेशा आपको वाइट चूज़ करना चाहिए। उसके बाद ऐड न्यू जॉब टाइप पे क्लिक कर दें। आप देखेंगे आपका जॉब टाइप फुल टाइम क्रिएट हो गया। अभी मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ, पार्ट टाइम। सिंपली आप टाइटल डालें पार्ट टाइम और उसके बाद नीचे जाइए, जो भी इसका कलर आपको चाहिए वो कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लें और उसके बाद सिंपली ऐड न्यू जॉब टाइप पे क्लिक कर दें। इसी तरीके से और भी टाइप के जॉब्स आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, स्किल्स, क्या क्या स्किल्स किसी जॉब के लिए चाहिए होते हैं, वो स्किल्स यहाँ पर चूज़ करना। जैसे कि इस फॉर्म में अगर आप देखेंगे, स्किल रिक्वायर्ड स्किल पे जब आप क्लिक करेंगे, काफ़ी ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सो ये सब स्किल्स आपको क्रिएट करने होते हैं। ये भी आपको जॉब्स के अंडर में ये ऑप्शन मिलेगा स्किल्स का, उस पर क्लिक कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, PHP एक स्किल है, एक प्रोग्रामिंग नॉलेज है अगर किसी को आती है, सो ये भी एक स्किल हो सकता है। सो मैं PHP टाइप करके ऐड न्यू स्किल टाइप करूँगा। पाइथन एक स्किल है, ओके, ये आप सेलेक्ट करके ऐड न्यू टाइप करेंगे। जो भी स्किल्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होने चाहिए आप वो सब स्किल्स, फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्डप्रेस के लिए जॉब है तो वर्डप्रेस उसे आना चाहिए, सो वर्डप्रेस यहाँ पर टाइप करेंगे। ये सब एक स्किल हो गए। ओके, इस तरीके से जितने भी स्किल्स आप चाहें क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस पेज पे फिर से आए, नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको दिखेगा कुछ अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहें इनसे कलेक्ट करना, वो भी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए ये भी क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ऑफर्ड सैलरी यहाँ पर अवेलेबल है। सो अगर आपको ये ऑफर्ड सैलरी, ये सब चीज़ें, ये सब फील्ड्स क्रिएट करनी है, देखते हैं वो कैसा करते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर आएंगे डैशबोर्ड पर। अभी आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये ऑप्शन मिलना चाहिए, लेट्स सी, कस्टम फील्ड्स। कस्टम फील्ड्स पर क्लिक करें। सबसे पहले हम ये क्रिएट कर लेते हैं ऑफर्ड सैलरी। सो ऑफर्ड सैलरी के लिए आप क्या करेंगे, आप रेंज पे क्लिक करेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमने एक रेंज दिया है 1000 से 3000 के बीच, 3000 to 5000, ये एक रेंज है। सो ये रेंज कैसा क्रिएट करेंगे, आपने रेंज फील्ड ऐड किया, उसके बाद पेंसिल बटन पे क्लिक करेंगे, इसका कोई नाम दे देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर नाम दे दिया है ऑफर्ड सैलरी। और स्लग में आपको क्या करना होता है, स्लग आप चाहे छोड़ दें, मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली टाइप हो जाता है। स्लग बेसिकली क्या होता है, सेम चीज़ होती है, बस आप ये कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर कर दें। ओके, जैसा कि कैपिटल एस की जगह स्मॉल एस, और बीच में स्पेस की जगह आप ये हाइफ़न टाइप कर देंगे। ओके, एक वेबसाइट है slugify.com, शायद slugify.online, अगर इस वेबसाइट पे अगर आप जाएं, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको, आपको इसका स्लग चाहिए, आप इस पर कॉपी करेंगे, इसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे और जनरेट स्लग करेंगे, आपको ये स्लग यहाँ से मिल जाएगा। ओके, यहाँ से आप कुछ टाइम बचा सकते हैं, कुछ सेकेंड्स अपने ज़िंदगी के बचा सकते हैं। फिर यहाँ पर प्लेस होल्डर में हम सेम चीज़ टाइप कर देंगे। प्लेस होल्डर क्या होता है, जो ये फील्ड है, जो ये बॉक्स है, उसके अंदर जो टाइप किया हुआ चीज़ है वो है आपका प्लेस होल्डर। अभी मिनिमम क्या है, अगर आप यहाँ देखें, मिनिमम है 1000 और हर 1000 के बाद या फिर हर नंबर के बाद 2000 का गैप है, जैसे 1000 फिर 2000 में अगर आप 2000 प्लस करें 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 2 9, सो हर नंबर के बाद 2000 का गैप है। सो हम पहले तो मिनिमम टाइप कर देते हैं 1000, और टोटल कितने गैप चाहिए, सो मुझे टोटल 10 गैप्स चाहिए, और कितने नंबर के गैप्स चाहिए 2000 के, मतलब 1000 फिर उसके बाद प्लस 2000 3000 होएगा, प्लस 2000 5000, इसी तरीके से ये 10 बारी से प्लस करेगा। उसके बाद आप नीचे आइए, बॉटम में जाके अगर आप इसके लिए चाहे कोई आइकन सेलेक्ट कर सकते, तो ये है आपका सैलरीज, और सैलरी के लिए आप चाहे तो मनी का आइकन
अगर आप मनी टाइप करें आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, ये आइकन चूज करके सेव फील्ड पे क्लिक कर दे। इसी तरीके से आपका एक फील्ड क्रिएट हो चुका है। अभी सर्च पेज के, सर्च पेज में भी एक सैलरी फील्ड आता है, तो सर्च पेज के सैलरी फील्ड को भी हम क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए भी रेंज पे क्लिक करें, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये आपके इस रजिस्टर पेज से, रजिस्टर फॉर्म से रिलेटेड नहीं, ये सर्च पेज से रिलेटेड है। यहाँ पर भी हम एक काम करेंगे, टाइप कर देंगे सैलरी फॉर सर्च, ताकि हमको पता चले हम ये किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं। ओके, अभी मैं इसे प्लेस होल्डर में सेम चीज़ टाइप कर दूंगा। स्लग इसका जनरेट करना है आपको, यहाँ पर टाइप कर दें, ये आपका स्लग जनरेट हो गया। यहाँ पर आप इसे आके पेस्ट कर देंगे स्लग में। मिनिमम यहाँ भी मुझे सेम रखना है 1000, टोटल लैप्स 10 और इंटरवल ऑफ 2000। अभी जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे कोलैप्स इन फिल्टर, आप इसे एक काम करें, ये बाय डिफॉल्ट नो है, आप इसे यस कर दें, ताकि जब वो फिल्टरेशन का ऑप्शन आए ये कोलैप्स रहे, वो आप बाद में समझेंगे। अभी आपको सिर्फ मैं जो कर रहा हूँ आप उसे कर दें, आपको सब चीज़ें ठीक ठाक मिल जाएंगी। इसके लिए भी अगर आप चाहें तो सेम आइकन आप सर्च कर सकते हैं, मनी का आइकन, उसके बाद सेव पे क्लिक कर दें। अभी हम एक काम करते हैं, ये था एक फील्ड, ये सिर्फ रेंज फील्ड है, बाकी सब जो भी फील्ड्स आप देख रहे हैं, एक्सपीरियंस, जेंडर, क्वालिफिकेशन, इंडस्ट्री, ये नंबर था इसलिए हमने फील्ड यूज़ किया, ये सब टेक्स्ट है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दो ऑप्शन है, मेल फीमेल, इसमें कई सारे ऑप्शन है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ये सब। सो इस तरीके की अगर आपको फील्ड क्रिएट करनी है उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे ड्रॉप डाउन का, ये है ड्रॉप डाउन, उस पर क्लिक करें। मैं इसके लिए ये एग्जाम्पल ले लेता हूँ क्वालिफिकेशन का। आप यहाँ पर फील्ड नेम में क्वालिफिकेशन टाइप करें, प्लेस होल्डर में क्वालिफिकेशन, स्लग में क्या करना है, सिर्फ क्वालिफिकेशन में आपको क्यों छोटा करना है। ओके, सो यहाँ पर आप इसे स्लग में पेस्ट कर दें। फिर से अगर आप नीचे ऑप्शन में स्क्रॉल करेंगे आपको ये सब ऑप्शन मिलेंगे। अभी इनेबल इन फिल्टर, क्या फिल्टरेशन में आप इसे रखना चाहते हैं, इसे येस कर दें। इससे क्या होता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जब भी कोई जॉब्स पर क्लिक करता है लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड साइड में जो साइड बार होता है उसमें फिल्टरेशन ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड में है, सो ये फिल्टर ऑप्शन है, जॉब टाइप, सेक्टर। सो क्या आप इसे फिल्टरेशन ऑप्शन में रखना चाहते हैं, हम इसे रखना चाहते हैं, इसलिए हमने इसे यस कर दिया। ओके, ताकि कोई भी क्वालिफिकेशन के बेस पे जॉब को सर्च कर सके, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं सेक्टर के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे, क्वालिफिकेशन के बेस पे भी सर्च कर सकता है। सो ये फिल्टर में हमने इसे यस कर दिया है। सेकेंड ऑप्शन जो आपको पहले भी हमने देखा है कोलैप्स इन फिल्टर, इसे भी यस कर दें। उसके बाद इसके लिए भी कोई आइकन ना, ये क्या है क्वालिफिकेशन, सो इसके लिए हम एक काम करते हैं डिग्री का जो कैप होता है वो सर्च कर लेते हैं। ओके, ये क्वालिफिकेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद आप जो जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन हम दे सकते हैं ग्रेजुएट का। ओके, और इसे आप सिंपली यहाँ पर टाइप कर लें सेम चीज़। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ऐड करने के लिए प्लस पे दबाइए। यहाँ पर डिप्लोमा का एक ऑप्शन हो सकता है, इसे भी हम यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे, डी को छोटा कर देंगे। इसी तरीके से जितने ऑप्शन आप यहाँ पर ऐड करना चाहें ऐड कर लें, उसके बाद सेव फील्ड पे क्लिक कर दें। अभी बाकी के जो भी फील्ड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, जेंडर, एक्सपीरियंस, सब के सब ये ड्रॉप डाउन से क्रिएट किए हुए हैं, ड्रॉप डाउन फील्ड को यूज़ करके। सो जितने भी आपको क्रिएट करना है सिंपली ड्रॉप डाउन फील्ड यूज़ करें, और इस तरीके से जितने भी आप चाहें क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने ये ऑप्शन डाला है 1000, 3000, अभी तक हमने करेंसी सेट नहीं किया है। 1000 क्या है, डॉलर्स है, रुपीस है, क्या है? सो ये करेंसी अगर आपको सेट करना है, कुछ करना है, सो चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड सेटिंग्स। उसके लिए फिर से अपने डैशबोर्ड पे आइए। अभी आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन मिलने चाहिए कुछ ऐसे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जॉब सर्च ऑप्शन। ओके, इस पर हवर करें और जनरल सेटिंग्स पे, जनरल ऑप्शंस पे क्लिक कर दें। अभी जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आपको सैलरी से रिलेटेड जो सेटिंग्स है उसमें आपको करेंसी का भी ऑप्शन मिलना चाहिए, जो कि है ये रहा आपका सैलरी कस्टम करेंसी। इसे ऑन कर दे ताकि जब भी कोई एम्प्लॉयर आए वो कस्टम करेंसी, चाहे उसे डॉलर रखना है, रुपी रखना है, जो भी रखना है उसे सेलेक्ट कर सके। उसके लिए सेव चेंजेस पे फिर से क्लिक कर दें। अभी बिकॉज हमने ये सब चीज़ें क्रिएट कर ली हैं, जो भी इस पेज के लिए, इस फॉर्म के लिए रिक्वायर्ड था हमने क्रिएट कर लिए हैं। अभी हम ये पेज क्रिएट कर सकते हैं, पोस्ट न्यू जॉब, जो ये पेज है पोस्ट न्यू जॉब का पेज, हम इसे चाहें तो क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए इस पेज को क्रिएट करना शुरू करते हैं। उसके लिए आप अपने डैशबोर्ड पर आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पेजेस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर हवर करके ऐड न्यू पे क्लिक कर दें। अभी इसको आप जो भी चाहें वो टाइटल दे दें इस पेज को। मैं एक काम करता हूँ, इसे यही टाइटल दे देता हूँ, पोस्ट न्यू जॉब का टाइटल। उसके बाद आप एक काम करेंगे, राइट हैंड साइड में आपको कुछ ऑप्शन है, पहले मैं आपको एक काम करता हूँ पब्लिश करके पेज दिखा देता हूँ, ताकि हम वो ऑप्शंस करें तो आपको समझ में आए। जब भी आप कोई पेज क्रिएट करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी गैप है, ये आपका टाइटल है, हमें टाइटल की ज़रूरत नहीं, ऊपर गैप है, नीचे गैप है। सो हमें टाइटल हटाना है और ये ऊपर नीचे वाला गैप हटाना है। सो जो भी पेज पे आपको ये करना होगा आप इस पर कट करें।
आपको राइट हैंड साइड में ये ऑप्शन मिलेगा, पेज स्पेसिंग इसे नो कर दे, पेज टाइटल इसे भी नो कर दे, ये दोनों चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी। ओके, मेरे ख्याल से इतना जूम ठीक है। उसके बाद आप सिंपली इसे अपडेट कर दे। फिर से अगर आप इस पेज पर आके रिफ्रेश करें, आपकी स्पेसिंग भी गायब हो गई और वो टाइटल भी चला गया। अभी हम एक काम करते हैं, इस पेज के अंदर में हम ये वाला फॉर्म ऐड कर लेते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर आएंगे, अभी आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, WP बेकरी पेज बिल्डर वाले बटन पे, और यहाँ पर आप बैक एंड एडिटर पे क्लिक करेंगे और ऐड एलिमेंट पे क्लिक करें। अब यहाँ से आप एक सर्च करिए पोस्ट जॉब। जैसे आप पोस्ट टाइप करेंगे आपको ये ऑप्शन मिलेगा, पोस्ट न्यू जॉब, उस पर क्लिक कर दें। अभी आपको अगर इसे कुछ टाइटल देना है, जैसा कि हमने इसे टाइटल दिया है पोस्ट न्यू जॉब का, इससे सेम टाइटल मैं यहाँ पर दे देता हूँ। उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करके अपडेट करें। फिर से अगर आप इस पेज पे आके रिफ्रेश करें, आपको कुछ नहीं नज़र आएगा, आपको ये मैसेज मिलेगा, यू आर नॉट अलाउड टू पोस्ट, बिकॉज सिर्फ जो एम्प्लॉयर है वही पोस्ट कर सकता है। हम एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, एम्प्लॉयर नहीं है। बट अगर आप इस पेज को एक नए टैब में ओपन करें, फॉर एग्जाम्पल इसे अगर हम एक न्यू प्राइवेट विंडो में, न्यू इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करें, आपको ये फॉर्म नज़र आएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसका मतलब है ये चीज़ें काम कर रही है, और जो भी सेक्टर्स आपने क्रिएट किए, टाइप क्रिएट किए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में जो भी आपने क्रिएट किया, और सब के सब चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। ओके, सो ये चीज़ काम कर रही है। अभी मुझे एक चीज़ करना है कि ऊपर नीचे गैप नहीं है। ओके, ये इसे टच कर रहा है, सो ऊपर नीचे थोड़ा गैप ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखा दूँ मैं, फिर से अगर इसे न्यू प्राइवेट विंडो में ओपन करें, यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी गैप नहीं है, नीचे भी गैप नहीं है। सो अगर आपको ये गैप ऐड करना है, इनफैक्ट आप एक काम करें, तो मेरे ख्याल से अगर इसे पेज स्पेसिंग को यस करेंगे तो भी हो जाना चाहिए। देख लेते एक बार, रिफ्रेश करें। ओके, पेज स्पेसिंग को यस रहने दे, उसे नो ना करें, ताकि आपको ये स्पेसिंग यहाँ पर मिल जाए। और आई गेस, सो इसके साथ आपका ये पेज होता है क्रिएट। अब ये पेज में एक प्रॉब्लम था, पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं। अगर आप डेमो वेबसाइट में ये पेज देखें, यहाँ पर तीन स्टेप्स हैं। पहले तो जॉब डिटेल आपको एंटर करनी होगी, नेक्स्ट स्टेप पर आपको पैकेज सेलेक्ट करना होगा, फिर आपका ये कन्फर्म होगा। बट यहाँ पर एक ही दो ही स्टेप है, पहले आप जॉब डिटेल टाइप करें और उसके बाद डायरेक्ट कन्फर्म हो जाएगा। पैकेज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, बिकॉज हमने पैकेजेस क्रिएट नहीं किए, हमने कुछ सेट नहीं किया है। सो चलिए अभी हम WooCommerce से रिलेटेड सेटिंग्स देख लेते हैं, पैकेजेस क्रिएट कर लेते हैं और अपने पेमेंट सेटिंग्स कर लेते हैं, जिससे हम अपने वेबसाइट पे पेमेंट एक्सेप्ट कर सके। सो उसके लिए फिर से आप अपने डैशबोर्ड पे आइए। अभी सबसे पहले हमें कुछ पेजेस क्रिएट करने होंगे, जैसा कि ई-कॉमर्स वेबसाइट में लगता है जो पेजेस, कार्ट पेज, चेकआउट पेज, माय अकाउंट पेज। सो ये सब पेजेस क्रिएट करने के लिए आप एक नया टैब ओपन करें और सर्च करें WooCommerce शॉर्ट कोड्स। आप गूगल पे जाके अगर आप इसे सर्च करें, आपको फर्स्ट रिजल्ट मिलेगा, शॉर्ट कोड्स इंक्लूडेड विथ WooCommerce, उस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको कुछ शॉर्ट कोड्स मिलेंगे, इनको यूज़ करके हमको ये पेजेस क्रिएट करने। फिर से आप अपने डैशबोर्ड पे आइए, पेजेस के अंडर में ऐड न्यू मिलेगा, उस पर क्लिक करें नया पेज ओपन करने के लिए या फिर क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले हमें कार्ट पेज ऐड करना है, सो कार्ट टाइप कर दें। उसके बाद यहाँ से आप सिंपली इस शॉर्ट कोड को यहाँ से कॉपी कर ले, यहाँ पर आइए, प्लस बटन दबाइए और शॉर्ट कोड सर्च कीजिए, उस पर क्लिक करें और ये शॉर्ट कोड यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप सिंपली इसे पब्लिश कर दें, ये आपका कार्ट पेज हो जाएगा। अगर आप इसे नए टैब में ओपन करके भी देखें, योर कार्ट इज एम्प्टी, मतलब ये आपका कार्ट पेज हो चुका है। नेक्स्ट पेज अभी हमें क्रिएट करने के लिए फिर से ऐड न्यू पे क्लिक करें। उसके बाद अभी हम चेकआउट पेज क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कोई भी आपके वेबसाइट पे आके चेकआउट कर सके, आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सके। सो इसे चेकआउट का टाइटल दे दें, यहाँ पर आइए, ये चेकआउट का शॉर्ट कोड यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर प्लस बटन दबाइए, शॉर्ट कोड सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर पेस्ट करके इसे भी पब्लिश कर दीजिए। थर्ड पेज जो आपको चाहिए, फिर से ऐड न्यू पे क्लिक करें, माय अकाउंट पेज। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद इसे माय अकाउंट का टाइटल दे दें। फिर से अपने इस पेज पर आइए, इस लिंक को या फिर इस शॉर्ट कोड को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर शॉर्ट कोड पेस्ट कर दें। इसके बाद ही आपका माय अकाउंट पेज हो जाएगा। तीनों पेजेस आपके हो गए हैं क्रिएट। अभी आप एक काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको WooCommerce मिलेगा, ये रहा WooCommerce, उस पर हवर करें, उस पर अपना माउस कर्सर लेके जाइए और सेटिंग्स पे क्लिक कर दें। अभी यहाँ सबसे पहले आपको आपका एड्रेस एंटर करना होगा, जो भी आपके कंपनी का या फिर आपका एड्रेस है यहाँ पर एंटर कर दें, सबके सब चीज़ों के साथ, स्टेट नेम सबके सब चीज़ें एंटर कर लें। उसके बाद अगर आपको अपने वेबसाइट पे टैग्स को भी इनेबल करना है, मतलब अगर आपके प्रोडक्ट पे इस पे टैग्स इनेबल है, टैग्स लगता है, आप टैग्स इनेबल करके टैग्स कलेक्ट कर सकते हैं। और कौन सी करेंसी आपको सेलेक्ट करनी है, ये सब याद रखें, ये जो करेंसी, ये सब चीज़ें हैं, ये पैकेजेस के लिए, जो हमने पैकेजेस क्रिएट किए हैं, जॉब्स पैकेज, CV पैकेजेस, इसके लिए है। जो जॉब्स लिस्टिंग है, कोई भी आके कोई भी करेंसी का जॉब्स डाल सकता है, बट यहाँ पर बिकॉज हम पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं,
यहाँ पर हमको ये करेंसी सेलेक्ट करना होता है ताकि आप कौन सी करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो इंडियन रुपीस, इंडियन रुपी टाइप करेंगे, आपको ये इंडियन रुपी का ऑप्शन मिलेगा, उसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप एक काम करें, सीधा टैक्स पे आ जाइए अगर आपने टैक्स इनेबल किया है तो। अभी यहाँ पर हम एक नया टैक्स क्रिएट कर लेते हैं, सो मैं इसे GST का नाम दे देता हूँ, GST। बॉटम में जाइए, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। जैसे आप नया टैब क्रिएट करेंगे, नया टैक्स क्लास क्रिएट करेंगे, आपको ऊपर एक नया ऑप्शन मिलेगा GST रेट्स, उस पर क्लिक करें। इंसर्ट रो पे क्लिक करें, आपका कंट्री कोड इंडिया अगर है इंडिया डालें, जो भी कंट्री से आप है वो डालिए। क्या परसेंटेज का टैक्स है, तो 10% टैक्स है फॉर एग्जाम्पल। शिपिंग को अनटिक करके इसे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। ओके, ये हो गया आपका टैक्स कंप्लीट। उसके बाद शिपिंग को छोड़ दें, बिकॉज हम कोई शिपिंग नहीं करने वाले। सीधा आप पेमेंट्स पे आ जाइए। पेमेंट्स पे जब आएंगे, सो मैं यहाँ पर दो पेमेंट एनेबल कर देता हूँ, कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी आपको बिल्कुल एनेबल नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ, ये डेमो वेबसाइट है, एक ट्यूटोरियल पर्पस के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इसीलिए ये एनेबल कर रहा हूँ। सेकंड, आपका पेपैल का ऑप्शन है, इसे भी एनेबल कर दें और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। जैसे आप पेपैल एनेबल करेंगे, उसके बाजू में आपको ये मैनेज का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। अभी यहाँ पर आपको सबसे पहले नीचे आना है, बॉटम में यहाँ पर आपको यूजर नेम, पासवर्ड और सिग्नेचर, ये तीन चीज़ें टाइप करनी है। उसके लिए फिर से नया टैब ओपन करें, paypal.com पे जाइए, यहाँ पर अपने अकाउंट पे लॉगिन कीजिए। जैसे आप लॉगिन करेंगे, आपको ये ऑप्शन मिलेगा सेलर टूल्स। सेलर टूल्स वाले लिंक को जो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिंक है, इस पर क्लिक कर दे सेलर टूल्स पे। अभी आपको ये पेज नज़र आएगा, आपको ये API एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा और उसके साइड में, उसके बाजू में आपको ये अपडेट का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कर दें। ये रहा आपका API का पेज। आप नीचे स्क्रॉल करें, आपको ये ऑप्शन मिलना चाहिए, NVP SOAP API इंटीग्रेशन, मैनेज API क्रेडेंशियल्स पे क्लिक कर दें। अभी यहाँ पर आपको आपका API, यूज़र नेम, पासवर्ड, सिग्नेचर, तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। आप सिंपली यूज़र नेम पे क्लिक करें, ये यूज़र नेम यहाँ से कॉपी करके अपने वेबसाइट पे आके इसे यूज़र नेम में इस तरीके से पेस्ट करें। फिर से आप एक काम करें, शो पे क्लिक करें, पासवर्ड कॉपी करें, यहाँ पर आके पासवर्ड में पेस्ट कर दें। फिर एक काम करें, सिग्नेचर को शो करें, कॉपी करके यहाँ पर सिग्नेचर में उसे पेस्ट कर दें। मुझे ये सब चीज़ें छुपानी होगी, मैं इसे फटाफट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और आई गेस, तो आप देख सकते हैं, मैंने API, यूज़र नेम, पासवर्ड और सिग्नेचर तीनों यहाँ से कॉपी पेस्ट कर ली है। उसके बाद सिंपली सेव चेंजेस पे आप क्लिक कर दें, आपका ये पेमेंट सेटिंग्स भी हो गए कंप्लीट। अभी आप अकाउंट्स एंड प्राइवेसीज पे आइए, यहाँ पर आप इन तीन चीज़ों को टिक मार्क कर दें। सबसे पहले अलाउ कस्टमर्स टू लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, इसे टिक मार्क कर दें। अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, इसे भी टिक मार्क कर दें। अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन द माई अकाउंट पेज, इस ऑप्शन को भी टिक मार्क करके नीचे ऑप्शन आइए और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। अगर आप अभी एडवांस पे जाएं, यहाँ पर आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ करनी होती है, कार्ट पेज में जो आपने कार्ट का पेज सेलेक्ट किया उसे सेलेक्ट कर लें। चेकआउट पेज में चेकआउट वाले पेज को सेलेक्ट कर लें, माई अकाउंट पेज में माई अकाउंट वाले पेज को सेलेक्ट करके बॉटम में आइए, सेव चेंजेस पे यहाँ पर क्लिक कर दें। अभी बिकॉज आपने WooCommerce के सेटिंग्स कर लिए हैं, अभी आप पैकेजेस अपने क्रिएट कर सकते हैं। और पैकेजेस क्रिएट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको पैकेजेस के ऑप्शन मिलेंगे, ये रहे पैकेजेस, उस पर क्लिक कर दें। अभी ऐड न्यू पे क्लिक करें। अभी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, दो टाइप के पैकेज है, जॉब पैकेज और CV पैकेज। पहले जॉब पैकेज क्रिएट करते हैं। जॉब पैकेज से क्या होगा, कोई भी एम्प्लॉयर अगर आपकी वेबसाइट पे जॉब पोस्ट करना चाहेगा, उसे पैकेज परचेस करना होगा। हमने एक फ्री भी पैकेज क्रिएट किया ताकि कोई पैसे, अगर कोई फ्री वाला हो सो वो भी आके पोस्ट कर सके। एक से ज़्यादा पोस्ट, जॉब जिसको पोस्ट करने हो उसे ये परचेस करना पड़े ये पैकेज। सो ये पैकेजेस क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले ये फ्री वाला पैकेज क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम हमने स्टैंडर्ड पैकेज रखा है। सो यहाँ पर टाइटल में आप स्टैंडर्ड टाइप करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर रेकमेंडेड पेज में कुछ भी जो है जैसा है रहने दे। अभी चार्जेस टाइप में बाय डिफ़ॉल्ट पेड है, बट ये पेड पैकेज नहीं है, ये फ्री पैकेज है। सो आप इधर से फ्री सेलेक्ट कर लें। अभी पैकेज टाइप, किस टाइप का पैकेज है, जॉब पैकेज, CV पैकेज, फीचर्ड पैकेज, आपको यहाँ से जॉब्स पैकेज सेलेक्ट करना है। और पैकेज एक्सपायरी डेट, कितने दिन में ये पैकेज एक्सपायर हो जाएगा, मैं 10 डेज यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, मे बी 7 डेज, एक हफ्ते में पैकेज एक्सपायर हो जाएगा। और कितने जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, मैं सिर्फ 1 टाइप करूँगा इस पैकेज से, बिकॉज ये फ्री पैकेज है, सिर्फ एक जॉब कोई भी क्रिएट कर सकता है और ये जॉब 7 दिन के बाद आपके वेबसाइट से डिलीट हो जाएगा। सो जॉब एक्सपायरी डेट में 7 टाइप कर दें, ऊपर जाइए और इसे पब्लिश कर दें। अभी चलिए हम नेक्स्ट पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए फिर से ऐड न्यू पे क्लिक करें और इसका नाम सिल्वर है, सो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर टाइटल में पेस्ट कर दें। फिर से नीचे स्क्रॉल करें, अभी आपको चार्जेस टाइप में फ्री नहीं करना है, पेड रहने देना है, बिकॉज ये पेड पैकेज है। इसका प्राइस आप क्या रखना चाहते हैं, मे बी मैं इसका प्राइस 100 रुपीज़ रखना चाहता हूँ पर मंथ। और पैकेज टाइप जॉब्स पैकेज रहने दें और ये एक्सपायर होगा 30 डेज़ के बाद, 30 दिन के बाद। और कितने जॉब्स, मे बी इससे
5 जॉब्स क्रिएट कर सकता है और ये जॉब्स का एक्सपायरी डेट होगा 30 डेज। ओके, इस तरीके से आप जितने भी चाहे पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अभी हम एक काम करते हैं, CV पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। CV पैकेज जैसा मैंने आपको शुरू में सिखाया समझाया, कोई भी कस्टमर या कोई भी कैंडिडेट जो आपके वेबसाइट पे जॉब ढूंढने आएगा वो अपने CV को अपलोड करेगा। CV अपलोड फ्री में होगी, बट जो एम्प्लॉयर है जो जॉब के लिए बंदे ढूंढ रहा है उसे वो CV देखने के लिए परचेस करना होगा। सो अगर वो फ्री प्लान परचेस करता है या फिर फ्री प्लान सेलेक्ट करता है 2 CV देख सकता है, बट अगर कुछ पेमेंट हमको करेगा सो हम उसे और भी ज़्यादा CVs दिखा सकते हैं। वो 15 रेज्यूमे देख सकता है, 5 व्यू कर सकता है, ये सब चीज़ें हम उसे कर सकते हैं। सो ये होता है CV पैकेज। ये पैकेज क्रिएट करने के लिए भी आप यहीं से करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। पहले तो फ्री वाला पैकेज क्रिएट कर लेते जिसका नाम हमने दिया बेसिक CV पैकेज, टाइटल इसका ये दे दें। अभी ये चार्जेस में इसे भी फ्री कर दें और पैकेज टाइप में जॉब्स पैकेज की जगह CVs पैकेज सेलेक्ट कर लें। इसका एक्सपायरी डेट 10 डेज रहने देते हैं, नंबर ऑफ़ CVs इसे 2 कर देते हैं, फ्री में 2 CV देख सकता है। उसके बाद आप ऊपर जाके इसे पब्लिश कर दें। फिर एक और पैकेज हम क्रिएट कर लेते हैं CV के लिए और इसका नाम दे देते हैं पावर CV पैकेज। ओके, और इसमें हम ये पेड है सो इसे पेड रहने दें। इसका अमाउंट डाल देते हैं 150 रुपीज़ पर मंथ, जॉब्स पैकेज की जगह CVs पैकेज, और इसमें ये एक्सपायरी डेट में 60 डेज का डाल देता हूँ, 2 मंथ्स का, और इसमें मे बी ये 30 CVs देख सकता है, जो भी आप जिस तरीके से चाहे इसे क्रिएट करके पब्लिश कर दें। इस तरीके से आप अपने जॉब्स पैकेजेस क्रिएट करते हैं। अभी हमने पैकेजेस क्रिएट किया कर लिया, अगर आप फिर से इस प्राइवेट विंडो इनकॉग्निटो विंडो पे आके इसे रिफ्रेश करें आप देखेंगे अभी भी सिर्फ 2 ही स्टेप आपको दिखाएंगे। पैकेज क्रिएट कर लिया फिर भी हमें 2 ही स्टेप दिखा रहे हैं। सो उसके लिए आपको एक सेटिंग करना होगा। उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, फिर से आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें और या फिर इस पे हावर करें जॉब सर्च ऑप्शंस, और उसके अंडर में आपको जॉब सेटिंग्स मिलेगा। जॉब सेटिंग्स पे क्लिक कर दें। अभी जॉब सेटिंग्स के अंडर में आपको ये ऑप्शन मिलेगा जॉब पोस्ट। जॉब पोस्ट सेटिंग पे क्लिक करें और आपको एक ऑप्शन यहाँ से नो करना है, फ्री जॉब्स इसे आप ऑफ कर दें। ओके, फ्री जॉब्स ऑफ करने के बाद अगर आप इसे सेव करेंगे और अगर हम फिर से उस प्राइवेट विंडो इनकॉग्निटो विंडो में जाके रिफ्रेश करें आपको दिखेगा थर्ड स्टेप भी आपका आ जाएगा। अभी पैकेज किसी को सेलेक्ट करना होगा फिर वो जाके क्रिएट कर सकता है, चाहे वो फ्री पैकेज ही सेलेक्ट करे या कुछ भी सेलेक्ट करे, बट हमें उस अभी उस एम्प्लॉयर को पैकेज फर्स्ट सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद ही वो जॉब पोस्ट होगा। अभी मुझे लगता है ये बेस्ट टाइम है, मैं अभी आपको दिखाई देता हूँ कि कैसे कोई भी आपके वेबसाइट पर आकर रजिस्टर कर सकता है और एक जॉब क्रिएट कर सकता है। सो मैं एक काम करता हूँ, इनकॉग्निटो विंडो में ही अपना डेमो वेबसाइट भी खोल देता हूँ। हम एक जॉब को कॉपी पेस्ट करते रहेंगे ताकि उससे जो भी सेटिंग्स उसके रिलेटेड है हम देख सकें। सो यहाँ से मैं किसी जॉब को ओपन कर लेता हूँ, ये वाले जॉब को ओपन कर लेता हूँ। ये रहा जॉब का टाइटल, नीड सीनियर रोलिंग प्रॉपर्टी एजेंट। जॉब का टाइटल, जॉब के बारे में डिस्क्रिप्शन, यानी जॉब क्या है, इसमें आपका ड्यूटी क्या है, क्या क्या रिक्वायर्ड स्किल्स है, सब चीज़ें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिटेल में टाइप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने डिटेल में हर चीज़ को टाइप करके रखा है, सो इस तरीके से आप भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं जॉब के डिस्क्रिप्शन के बारे में। अभी बिकॉज आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं, अभी आपने लॉगिन नहीं किया, रजिस्टर नहीं किया है, आपको यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड और यूज़र नेम सेलेक्ट करना होगा। इससे क्या होगा, ताकि आपका एक अकाउंट यहाँ से क्रिएट हो जाए। ओके, सो मैंने ये कर लिया है। उसके बाद एप्लीकेशन का डेडलाइन कब है, कभी एप्लीकेशन ख़त्म हो रही है वो आप सेलेक्ट करें। जॉब सेक्टर मैं मार्केटिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, फुल टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब, जो भी है आप सेलेक्ट कर लें। इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड स्किल्स है वो टाइप कर लें। ओके, उसके बाद मंथली सैलरी क्या है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मंथली सैलरी मे बी 20,000 से लेकर 50,000 के बीच में या फिर 30,000 के बीच में मिलेगा। और करेंसी क्या है, इंडियन रुपी। सो मैं INR इंडियन रुपी आप नीचे स्क्रॉल करें आपको ऑप्शन मिलेगा, ये रहा INR सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर ये डॉलर है सो बंदा डॉलर में भी सेलेक्ट कर सकता है। इससे रिलेटेड कोई फाइल अटैचमेंट है वो फाइल अपलोड कर दें। फिर आपको इसका लोकेशन सेलेक्ट करना होगा कि ये जॉब किस कंट्री में किस लोकेशन पे अवेलेबल है। अभी आप वो नहीं कर सकते बिकॉज गूगल मैप का प्रॉब्लम है, इसे फिक्स करने के लिए हमें गूगल मैप API क्रिएट करनी होती है, वो हम वीडियो के एंड में क्रिएट करेंगे। अभी आप सिंपली पोस्ट जॉब पर क्लिक कर दें। अभी आप जैसे पोस्ट जॉब पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे अभी क्या हुआ है कि हम एक नए टैब में आ गए हैं और यहाँ पर आपके लिए अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले अभी नेक्स्ट स्टेप तो आपका है कि आपको यहाँ पर एक चीज़ करना होगा, आपको प्लान सेलेक्ट करना होगा कौन सा प्लान आपको चूज़ करना है, फिर आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप चाहें तो फ्री प्लान चूज़ करें या फिर अगर आप चाहें तो प्रीमियम प्लान चूज़ करें। मैं
पेड वाला प्लान चूज करता हूँ, 100 रुपीज वाला प्लान, जिसमें 5 जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं 30 डेज के एक्सपायरी डेट के साथ। उसके बाद आप अपडेट पैकेज पे क्लिक करेंगे। अभी ये आपका चेकआउट पेज है, यहाँ पर आपको आपके डिटेल डालने होंगे और उसके बाद चेकआउट पे क्लिक करना होगा। सो चलिए चेकआउट पे क्लिक करते हैं। नॉर्मली तो आप, जैसा कि मैंने आपको बताया, कैश ऑन डिलीवरी आपको ऑफ रखना है, पेपैल ऑन रखना है, ताकि कोई भी इस बटन पे क्लिक करके पेमेंट कर सके पेपैल के थ्रू। बट मैं यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करता हूँ, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मुझे पेमेंट ना करना पड़े। अभी आप देख सकते हैं जैसे कोई ऑर्डर प्लेस करेगा उसे ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। अभी जब हमने अभी पासवर्ड सेट नहीं किया, सो मेक श्योर आप पासवर्ड यहाँ से चेंज कर लें। चेंज पासवर्ड पे जाइए और जो भी आपका न्यू पासवर्ड है आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। उसके बाद अपडेट पासवर्ड पे क्लिक कर दें। ओके, आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी डालने हैं, पेट नेम, अंकल्स नेम, टीचर्स नेम, कुछ भी आप इस तरीके से सिक्योरिटी क्वेश्चंस डाल सकते हैं। अभी आप अपडेट पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। अभी अगर आप फिर से अपने डैशबोर्ड पे आए और अभी आप यहाँ पर अगर आप देखें मैनेज जॉब्स पे क्लिक करें, यहाँ पर आप देखेंगे आपका जॉब यहाँ पर दिखा रहा है, बट ये पेंडिंग है, ये जॉब अभी तक आपके वेबसाइट पे नहीं आएगा बिकॉज आपका पेमेंट अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। सो अभी आपको क्या करना है, ये एम्प्लॉयर का दिखा रहा था, अभी आपको आपके वेबसाइट पे आना है। जब भी कोई नया जॉब क्रिएट करता है, जब भी कोई नया पेमेंट करता है, आपको एक नोटिफिकेशन आएगा हमेशा ईमेल पे, और आप देख सकते हैं अभी जॉब के अंडर में 1 दिखा रहा है, मतलब किसी ने जॉब यहाँ पर पोस्ट किया है। अभी ये ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड है, बट फिर भी यहाँ पर अप्रूवल नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है, अप्रूव नहीं दिखा रहा है, इसलिए कि अभी हमको पहले चेक करना है कि ये पेमेंट हमें आया है या नहीं। उसके लिए आप एक काम करेंगे, जैसा कि $100 का पेमेंट, 100 रुपीज़ का पेमेंट आपको मिला है या नहीं, उसके लिए आप WooCommerce पे जब हावर करेंगे, अभी आप देखेंगे ऑर्डर में भी 1 दिखा रहा है। सो ऑर्डर्स पे क्लिक करें, यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये ऑर्डर कन्फर्म है या नहीं। सो इस पर क्लिक करें, अगर आपको ये 100 रुपीज़ का पेमेंट मिल चुका है, आप यहाँ से स्टेटस पे कंप्लीटेड करें और इसे अपडेट कर दें। फिर से अगर आप एम्प्लॉयर के वेबसाइट पे जाके इसे रिफ्रेश करें, अभी आप देखेंगे पेंडिंग की जगह अप्रूव्ड हो गया, मतलब ये अभी जो थी चीज़ है ये अभी आपके वेबसाइट पे शो करेगी। ओके, सो इस तरीके से इसे करते हैं। आप अगर आप चाहें तो कंपनी का खुद का कोई इमेज इस तरीके से लोड कर सकते हैं। ऑलराइट, अभी मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूँगा। अगर आपने देखा, सो हमने क्या किया, हमने अकाउंट क्रिएट नहीं किया था, हम डायरेक्टली गए अपने वेबसाइट पे, पोस्ट अ न्यू जॉब पे क्लिक किया और उसी प्रोसेस में आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अगर आप चाहें इस प्रोसेस को ऑफ भी कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, वो सब चेंजेस आपको यहाँ पर मिलेंगे जॉब सर्च ऑप्शन के अंडर में, जॉब सेटिंग में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। जैसा कि पहले तो प्रोडक्ट स्टेटस अप्रूव्ड है, मतलब क्या हुआ कि जैसे पेमेंट मिल गया, प्रोडक्ट अपने आप, ये जो जॉब अपने आप अप्रूव हो गया। अगर आप इसे चाहें तो एडमिन रिव्यू कर सकते हैं, मतलब जैसे कोई जॉब कोई किसी ने पेस्ट किया वो डायरेक्टली अप्रूव नहीं होगा, फर्स्ट आपको जॉब पे जाना होगा, उसे चेक करना होगा, अगर आपको सब ठीक लगे फिर आपको इधर टिक करके बल्क एक्शन में इसे अप्रूव्ड क्लिक करके अप्लाई करना होगा, फिर जाके ये जॉब अप्रूव होगा और आपके वेबसाइट पर दिखाएगा। अभी मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि आप इसे ऑफ कर दें, जॉब पोस्ट विदाउट रजिस्ट्रेशन, इसे ऑफ कर दीजिए। उसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक करें। अभी मैं इस पेज को कट कर देता हूँ, फिर से अपने वेबसाइट को हम एक काम करते हैं, ओपन करते हैं न्यू इनकॉग्निटो विंडो में। अगर अभी आप देखेंगे अभी आपको वो बटन नहीं मिल रहा है, पोस्ट जॉब का बटन, पहले आपको रजिस्टर करना होगा। ओके, एज अ कैंडिडेट और एज एन एम्प्लॉयर, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आप देखेंगे पोस्ट जॉब के ऑप्शन से क्या होता है, आपने क्रिएट कर लिया अकाउंट, पासवर्ड का बहुत बार कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। सो अगर आपको प्रॉब्लम फिक्स करना है आप इसे ऑफ कर देंगे। ओके, जॉब विदाउट रजिस्ट्रेशन को आप ऑफ कर देंगे तो आपका वो प्रॉब्लम नॉर्मली सॉल्व हो जाना चाहिए। और भी सेटिंग्स यहाँ पर अवेलेबल है, आप चाहें तो उनको गो थ्रू कर सकते हैं, कुछ सेटिंग्स आपको चेंज करनी है, कुछ करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी हम एक काम करते हैं, अभी हम एक कैंडिडेट का अकाउंट बनाते हैं और देखते हैं कि कैंडिडेट कैसे आपके वेबसाइट पर आके कोई काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैंडिडेट आए आपकी वेबसाइट पर, पहले तो हमने जॉब्स जो भी हमने क्रिएट किया एक जॉब, मैं आपको जॉब दिखा देता हूँ। जैसा कि अभी हमने जॉब्स का पेज क्रिएट नहीं किया, जैसा कि कैंडिडेट नॉर्मली आपके वेबसाइट पे अगर आएगा, डेमो वेबसाइट में आप देख सकते हैं, वो सिंपली जॉब्स पे क्लिक कर सकता है और जितने भी जॉब्स आपके वेबसाइट पे है सबको एक साथ देख सकता है। ओके, इस तरीके से सबको एक साथ देख सकता है, बट हमने अभी तक ये पेज क्रिएट नहीं किया है। सो पहले हमने जो जॉब क्रिएट किया है ये वाला, हम इसके लिंक को ऐसे ओपन कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद हम ये सब पेजेस, जॉब पेज, एम्प्लॉयर पेज, कैंडिडेट पेज, ये सब क्रिएट करेंगे। अभी मैं डायरेक्टली ये लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ।
सो जब भी कोई कैंडिडेट आपके वेबसाइट पे आएगा उसे इस तरीके से दिखेगा, ओके ये जॉब है। अगर उसे इस जॉब के लिए अप्लाई करना है उस पर क्लिक कर सकता है लॉग इन टू अप्लाई टू जॉब। अभी उसने तो लॉग इन किया नहीं है, सो वो एक काम करेगा उस पर क्लिक करेगा साइन अप पे, बिकॉज उसने रजिस्टर करना है पहले। कैंडिडेट सेलेक्ट करेगा, अपना नाम डालेगा यहाँ पर, उसका नाम जो भी नाम है यहाँ पर टाइप करेगा, जो भी उसका यूज़र नेम है वो यहाँ पर टाइप कर देगा। ईमेल एड्रेस भी है, अभी कुछ दूसरा ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करना होगा, और जो भी पासवर्ड है वो सेट करना चाहे यहाँ से वो पासवर्ड सेट कर सकता है, ओके इस तरीके से। और फ़ोन नंबर ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिंपली साइन अप पे क्लिक कर सकता है। जैसे साइन अप पे क्लिक करेगा अभी आप उसे ये ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर दिस जॉब, वो देखेगा इसका कवर लेटर, अभी हमने ये सब फिक्स नहीं किया है, बट जो भी है अप्लाई फॉर दिस जॉब सक्सेसफुली अप्लाइड। जैसे ही उसने इस जॉब के लिए अप्लाई किया, अभी उसका भी आप देख सकते हैं यूज़र को भी कैंडिडेट को भी एक डैशबोर्ड मिल गया, उसने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था। अभी उसका रेज्यूमे का ऑप्शन है माय रेज्यूमे, अभी वो रेज्यूमे में जाके कवर लेटर कुछ लेटर यहाँ पर डाल सकता है, अपनी एजुकेशन के बारे में चीज़ें डाल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर वो एमबीए है आईआईएम से किसी भी इंस्टीट्यूशन से, सो यहाँ पर डाल सकता है वो सब डिटेल्स, ओके कितने साल कौन से ईयर में कौन से इंस्टीट्यूशन से उसने किया था, सो हम इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पर डाल देते हैं, और कौन से ईयर में उसने एमबीए किया था या फिर जो भी कोर्स किया था वो सब चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अभी ये कैंडिडेट अपने जो भी डिटेल्स यहाँ से डालेगा ये बहुत ही यूज़फुल होता है, बिकॉज इसने ये जॉब के लिए अप्लाई किया है। अभी जैसे ही वो एम्प्लॉयर देखेगा कि किसी ने जॉब के लिए अप्लाई किया है, उसे इसका प्रोफाइल दिख जाएगा, कितना एक्सपीरियंस है, इसका पोर्टफोलियो क्या है, क्या इसके स्किल्स है, सब चीज़ें उसे दिख जाएगा, और वो एम्प्लॉयर देख सकता है ये इस जॉब के लायक है या नहीं। उसके बाद सीवी मैनेजर में ये अपनी सीवी को यहाँ से अपलोड भी कर सकता है, अपलोड सीवी पे क्लिक करके जो भी इसका सीवी है वो यहाँ से वो अपलोड भी कर सकता है। इस तरीके से ये सब चीज़ें कैंडिडेट कर सकता है। ओके, आपने देखा हमने कैंडिडेट को अकाउंट भी क्रिएट कर लिया, अभी हम इसे लॉग आउट कर लेते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले रेकमेंड किया आप इसे ऑफ़ कर दे, जॉब वाले ऑफ़र को, विदाउट रजिस्ट्रेशन वाले ऑफ़र को ऑफ़ कर दे। रीज़न मेरा मेन ये था कि आपने देखा दोनों साइनअप प्रोसेस को देखा, फर्स्ट हमने जब जॉब पोस्ट किया विदाउट रजिस्ट्रेशन हमें पासवर्ड का ऑप्शन नहीं मिला। अभी अगर मैं साइन इन करना चाहूँ इसके अकाउंट से जो हमने क्रिएट किया था, तो मुझे पासवर्ड याद नहीं है एम्प्लॉयर का पासवर्ड, बिकॉज वो ऑप्शन ही नहीं आया। सो अभी मुझे ये प्रोसेस करना पड़ेगा, फॉरगॉट पासवर्ड, फिर एम्प्लॉयर का यहाँ पर यूज़र नेम डालिए, गेट न्यू पासवर्ड पे क्लिक कीजिए, फिर आपको ईमेल एड्रेस पे एक पासवर्ड आएगा उसे यहाँ पर एंटर कीजिए। सो ये प्रोसेस होता है, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन पे ऑन रखा है सो पहले उसे पासवर्ड ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, फिर वो जॉब पोस्ट कर सकता है। होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अभी ईमेल पे जो भी पासवर्ड आपको आया होगा आप यहाँ पर फिर से वो पासवर्ड को यूज़ करके यहाँ से लॉगिन कर दीजिए। अभी जैसे आप लॉगिन करेंगे फिर से अभी आपको ये ऑप्शन मिलेगा, आप देख सकते हैं एक जॉब आपने पोस्ट किया उसके लिए किसी ने अगर अप्लाई किया, आप देख सकते हैं उसका डिटेल, जॉन डो ने इसके लिए अप्लाई किया। अभी आप चाहे तो जॉन डो को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, ओके अगर आप इसके प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे आप इसके प्रोफाइल के बारे में देख सकते हैं। अगर आप इसके सीवी को भी जाए तो देख सकते हैं, डाउनलोड सीवी पे अगर आप क्लिक करेंगे, पहले इस कैंडिडेट को आपको सेव करना होगा, उसके बाद अगर आप इस पेज को रिफ्रेश करें, अभी आप डाउनलोड सीवी पे क्लिक करेंगे सो उसका सीवी डाउनलोड हो जाएगा इस तरीके से। सो ये सब चीज़ें इस तरीके से काम करती है, आप देख सकते हैं हर चीज़ हर ऑप्शंस यहाँ पर बहुत ही डिटेल में दी हुई है। सो आपने ये पूरा प्रोसेस देख लिया कैसे ये पूरा प्रोसेस काम करता है, कैसे जॉब पोस्ट किया जाता है, कैसे कोई अप्लाई कर सकता है, फिर जैसे ही कोई अप्लाई करे तो कैसे जो एम्प्लॉयर है उसे शॉर्ट लिस्ट कर सकता है, अभी एम्प्लॉयर चाहे सो इसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, सब चीज़ें यहाँ पर काम करती है इस कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू। सो इस वेबसाइट का पूरा प्रोसेस होता है यहाँ पर कम्प्लीट, ये वेबसाइट 100% आपकी फंक्शनल है। अभी इस वेबसाइट को हम डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, फंक्शनैलिटीज़ फीचर्स सब के सब हमने ऐड कर लिए, बस इसका डिज़ाइन बाकी है। डिज़ाइन मतलब इसका होम पेज, बाकी के जो पेजेस है, अभी हमने जॉब्स पेज नहीं क्रिएट किया है, कैंडिडेट्स पेज और पैकेजेस पेज, ये सब के पेजेस पर्टिकुलर पेजेस क्रिएट करना शुरू करते हैं। और अगर तो सबसे पहले हम होम पेज से शुरू करते हैं, पहला होम पेज क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए आप लेफ्ट हैंड साइड पे पेजेस पे हवर कीजिए और ऐड न्यू पे क्लिक कर दीजिए। अभी इसे होम का टाइटल दे दीजिए और राइट हैंड साइड से कुछ चेंजेस करने, पहले इसे पब्लिश कर लेते हैं। इस पेज को नए टैब में ओपन करके देखते हैं। अभी हमें इस पेज से काफ़ी सारी चीज़ें हटानी होगी, हमें ये टाइटल और ये जो ऊपर नीचे का गैप है दोनों हमें हटाना है, बिकॉज इसकी हमें ज़रूरत नहीं। सो उसके लिए आप एक काम करेंगे, इसे स्पेसिंग को नो कर देंगे, टाइटल को भी इसे नो कर देंगे। उसके बाद आप इसे अपडेट कर दें, फिर से अगर आप यहाँ आके रिफ्रेश करें सो वो दोनों चीज़ें गायब है। अभी हमें ये सब चीज़ें भी हटानी है, बिकॉज आप देखेंगे अगर अपने होम पेज पर डेमो वेबसाइट में
हमारे पास ये टाइटल और ये ब्रेड क्रम्स भी नहीं है हमारे डेमो वेबसाइट में, हमारे ऊपर सबसे ऊपर ये सेक्शन है। और एक और प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि हमने होम पेज क्रिएट किया है, बट अगर आप इसे देखें अपने यूआरएल बार में, ये आपको दिखाएगा योर वेबसाइट नेम स्लैश होम। हमें स्लैश होम हटाना है, बिकॉज जब भी आप अपने होम पेज पे हो स्लैश होम नहीं होना चाहिए, जस्ट योर वेबसाइट नेम होना चाहिए। अगर आप अभी इस लोगो पे क्लिक करें आप देखेंगे बेसिकली क्या हुआ है कि ये अभी आपका होम पेज है। हमने जो अभी पेज क्रिएट किया है उस वो बस एक रेगुलर पेज है जिसको हमने होम का नाम दे दिया है। बस इसको होम का नाम देने से ये होम पेज नहीं होता, हमें इसे होम पेज सेट करना होता है। तो चलिए पहले इस पेज को होम पेज सेट कर लेते हैं। उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड से आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर हवर करके रीडिंग पे क्लिक कर दें। अभी यह होम पेज डिस्प्लेस में सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया स्टैटिक पेज, और होम पेज में ये होम को सेलेक्ट करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। फिर से अगर आप यहाँ आके इसे रिफ्रेश करें आप देखेंगे अभी आपके पास सब चीज़ ब्लैंक हो गई है, वो आपका टाइटल और ब्रेड क्रम्स सब चीज़ गायब हो गया है, और ऊपर से स्लैश होम भी चला गया। और अगर आप फिर भी अभी लोगो पे क्लिक करें आप सेम पेज पे हैं, मतलब ये पेज अभी हमारा होम पेज हो चुका है। तो उसके बाद पेजेस पे क्लिक करके अभी हम इस पेज को एडिट करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं इसके साइड में आपको लिख के आ रहा है फ्रंट पेज, मतलब ये ऑफिशियली अभी आपका होम पेज है। अभी इसे एडिट कर दें। अभी इसे भी डिज़ाइन करने के लिए हम डब्ल्यू पी बेकरी पेज बिल्डर यूज़ करेंगे। सो इस बटन पर क्लिक कर दें डब्ल्यू पी बेकरी पेज बिल्डर। अभी बैक एंड एडिटर पर क्लिक कर दें। अभी जैसा कि मैंने आपको बहुत ही शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया, हम सेक्शन बाय सेक्शन इसे क्रिएट करेंगे। सो यहाँ हमारा फर्स्ट सेक्शन है ये हीरो सेक्शन। उसके लिए आप यहाँ पर आइए, ऐड एलिमेंट पे क्लिक करें और एक रो ऐड कीजिए। पहले हम हर सेक्शन के लिए एक नया रो ऐड करेंगे, फिर जब नया सेक्शन क्रिएट करेंगे एक नया रो ऐड करेंगे। अब इस रो में आप सर्च कीजिए एडवांस सर्च, ये रहा ऑप्शन एडवांस सर्च। बहुत ही सिंपल है इस पेज को क्रिएट करना, आप देखेंगे काफ़ी कम टाइम में हम ये पेज कुछ मिनट्स में ये कंप्लीट होम पेज क्रिएट कर लेंगे, बिकॉज ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अभी आप सिंपली यहाँ पर टाइटल सब टाइटल दे दीजिए, ये है आपका टाइटल, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर कई सारे डिफरेंट डिज़ाइंस अवेलेबल है इस सर्च ऑप्शन के लिए, सर्च बार के लिए। जो हमने यूज़ किया है यहाँ पर डेमो वेबसाइट में वो स्टाइल वन है, इसलिए मैं यहाँ स्टाइल वन रहने देता हूँ। बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइन है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सबको ट्राई करें, जो आपको बेटर लगे जो आपको पसंद आया आप उसे रखें। मैं वो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ जो मैंने डेमो वेबसाइट में सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपको ये ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन का, इसे भी यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दें। अभी आपको ये ऑप्शन मिलेगा सर्च रिजल्ट पेज बाय जॉब, यहाँ पर आपको कार्ट पेज सेलेक्टेड है कार्ट पेज सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ऑल जॉब्स पेज वो होना चाहिए, बट वो अभी हमने क्रिएट नहीं किया। एक काम करते हैं इसे सेव कर लेते हैं, पहले वो पेज क्रिएट कर लेते हैं बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर अभी यहाँ के अगर आपने इसे रिफ्रेश किया आपका ये ऑप्शन शो कर रहा है, अगर आप इस पर सर्च करें ये कुछ काम नहीं कर रहा है। सो हमें इसे वर्क करने के लिए पहले ऑल जॉब्स पेज क्रिएट करना होगा। मैं इस पेज पे रहने देता हूँ, ऐड न्यू को नए टैब में ओपन करता हूँ, ऐड न्यू पेज को, और यहाँ पर ऑल जॉब्स का टाइटल दे देते हैं। इस पेज में हम जितने भी हमने जॉब्स क्रिएट किए सबको एक साथ हम डिस्प्ले करेंगे, एक जगह पे डिस्प्ले करेंगे। अभी यहाँ पर आपको एक काम करना है, राइट हैंड साइड से आपको टेम्पलेट का ऑप्शन मिलेगा, उसे सेलेक्ट करें और सिंपली ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, डिफ़ॉल्ट जॉब लिस्टिंग पब्लिश पे क्लिक कर दें। अगर आप इस पेज को नए टैब में ओपन करें अभी जो भी पेजेस लिस्टेड है जो भी जॉब्स है आप सबके सब यहाँ पर एक साथ देख सकते हैं। ऑलराइट, सो ये पेज पहले आप क्रिएट कर ले, बहुत ही सिंपल है। टाइटल देना है सिर्फ, जो भी टाइटल आपको पसंद है वो टाइटल दे। राइट हैंड साइड से आप टेम्पलेट में डिफ़ॉल्ट जॉब लिस्टिंग सेलेक्ट कर ले, हो गया आपका ये पेज। फिर से अपने होम पेज पर आके इसे रिफ्रेश करें। अभी फिर से इस पर क्लिक करें पेंसिल बटन पे, अभी हम यहाँ से कार्ट पेज के जगह ऑल जॉब्स का जो पेज है इसे सेलेक्ट कर ले। अभी बटन वन का क्या टेक्स्ट है, उसका क्या यूआरएल है और बटन आइकन क्या है, वो सब आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन वन का टेक्स्ट है अपलोड योर रेज्यूमे। सो यहाँ पर टेक्स्ट में टाइप करें अपलोड योर रेज्यूमे। उसके बाद इसका यूआरएल क्या है, मतलब कोई अगर इस बटन पे क्लिक करे सो किस पेज पे जाएगा, हम उसे रजिस्टर पेज पे यानी माय अकाउंट पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे। सो मैं यहाँ से माय अकाउंट पेज का लिंक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और इसका आइकन के लिए हम ये वाला अप वाला आइकन, अप एरो का आइकन सेलेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर सर्च करें अप, बहुत सारे आइकन्स आपको मिलेंगे, ये वाला हमने सेलेक्ट किया है अपने डेमो वेबसाइट में, अल्टरनेट अप एरो, इसे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे ये ऑप्शन है पोस्ट न्यू जॉब सेकंड बटन। सो मैं यहाँ पर इसे टाइटल दे देता हूँ पोस्ट न्यू जॉब। अब इसका बटन यूआरएल आपको जो भी देना है आप यहाँ पर, जैसा कि हमने इसे भी मेरे ख्याल से उसके इसके लिए हम ये वाला पेज का बटन लिंक दे सकते हैं पोस्ट न्यू जॉब, ये पेज जो ऊपर है इसका लिंक कॉपी करें यहाँ से, यहाँ पर पेस्ट कर दें। और इसके लिए क्या बटन आइकन आपको रखना है, यहाँ पर हमने ब्रीफ केस का आइकन रखा है,
सो मैं यहाँ पर ब्रीफ केस सर्च करता हूँ और जो भी आइकन आपको पसंद हो वो आइकन सेलेक्ट करके सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। अभी अगर आप इसे अपडेट करके अपने वेबसाइट पे आके इसे रिफ्रेश करें, कुछ चेंजेस हमें करने हैं, जैसा कि हमें टाइटल सब टाइटल का कलर ये सब चेंज करना है। अभी कुछ नहीं दिख रहा है, बट अगर आप इसे सर्च करें तो अभी आपका सर्च पेज काम करेगा। आप देख सकते हैं अब ये चीज़ काम कर रही है। सबसे पहले अभी हम एक काम कर लेते हैं, इसके बैकग्राउंड में ये इमेज डाल देते हैं ताकि ऊपर की जो चीज़ें हैं वो दिखे। अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, जैसे हम उसे डाल देंगे सब चीज़ें दिखने लगेंगी। उसके लिए आप इस पेंसिल बटन पे क्लिक करें, अभी आप नीचे स्क्रॉल करें और ये आपको ऑप्शन मिलेगा रो ओवरले। पहले तो एक काम करें, डिज़ाइन ऑप्शन में जाइए और यहाँ पर बैकग्राउंड में इमेज ऐड करने के लिए इस प्लस बटन पर दबाइए। और मैंने आपको शायद बताया नहीं है अभी तक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे जितने भी इमेजेस जो भी फाइल्स मैंने यूज़ किए हैं इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, सब के सब आपको फ्री में मिल जाएंगे। और वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक जिप फाइल होगा, करियर फाइल्स, जॉब बोर्ड, नियर शेक, उसको आपको अनजिप करना है, एक्सट्रैक्ट फाइल्स करने हैं। उसके बाद आपको ये फोल्डर मिलेगा मीडिया, इसमें कुछ इमेजेस है और कुछ ऐसे फाइल्स मिलेंगे, कॉन्टैक्ट पेज, CSS, CV पैकेजेस, जॉब पैकेजेस, ऐसे कुछ फाइल मिलेंगे। पहले तो आप मीडिया वाला फोल्डर ओपन करें और यहाँ पर ये इमेज हमको यूज़ करनी है। सो ये इमेज सेलेक्ट करके ओपन करें, सेट इमेज पे क्लिक कर दें। अभी मैं एक काम करता हूँ, कुछ भी नहीं करता, बस इमेज चेंज का, अभी हमने कुछ नहीं किया, बस बैकग्राउंड में इमेज डाला है, अपलोड करें या फिर अपडेट करें या आके इसे रिफ्रेश करें। अभी दो चीज़ें यहाँ, दो प्रॉब्लम आ रही है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हमारे पास बहुत ज़्यादा गैप है, इसे हमें टच कराना है, इस तरीके से दोनों साइड टच कराना है। सो वो करने के लिए आप फिर से पेंसिल बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर रो स्ट्रेच में इसे स्ट्रेच रो सेलेक्ट करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। अगर आप यहाँ पर आके इसे रिफ्रेश करें, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, आप देख सकते हैं। अभी दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बैकग्राउंड बहुत ही लाइट है, सो हमारा ये टेक्स्ट नहीं नज़र आ रहा है। सो हमने डेमो वेबसाइट में क्या किया है, बैकग्राउंड इमेज के ऊपर एक ओवरले दे दिया है, मतलब एक कलर का ओवरले दे दिया। इसी तरीके से हमें इसे यहाँ भी करना है। उसके लिए फिर से आप यहाँ पर आएंगे, पेंसिल बटन दबाएंगे, बॉटम में जाएंगे, आपको रो ओवरले का ऑप्शन मिलेगा, इसे यस कर दें और ओवरले कलर में जो भी कलर मैं इधर ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे अल्फा डिक्रीज कर दीजिए, मतलब इसके ट्रांसपेरेंसी को डिक्रीज कर दीजिए कुछ इस तरीके से। सेव चेंजेस पे क्लिक करके अपडेट करें। फिर से यहाँ आकर अगर इसे रिफ्रेश करेंगे आप, अभी आपको कुछ इस तरीके से सेक्शन नज़र आएगा। अगर आप चाहें तो उसे कुछ और डार्क बना सकते हैं, ब्लैक की जगह कोई और कलर चूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। और इसी के साथ आपका होता है फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट। अभी हमारा सेकंड सेक्शन ये स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन है, जहाँ पर हमने कुछ नंबर्स डिस्प्ले किए हैं। उसके लिए फिर से हम प्लस बटन पर दबाएंगे, नया रो ऐड करेंगे बिकॉज हम एक नया सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अभी इसके अंदर आप सर्च कीजिए काउंटर्स, आपको ये ऑप्शन मिलेगा काउंटर्स का, इस पर क्लिक कर दें। अभी काउंटर्स के भी काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं, आप जो भी स्टाइल पसंद हो आप इस पेंसिल बटन पे क्लिक करके वो स्टाइल चेंज कर ले। अभी काउंटर के अंदर में हमें नंबर्स ऐड करने हैं, सो इस पर क्लिक करें प्लस बटन पे और एक आपको ऑप्शन मिलेगा काउंटर आइटम, उसको सेलेक्ट कर लें। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ नंबर और टाइटल ऐड कर लें यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है नंबर और उसके बाद ये है टाइटल। ओके, इन दोनों को इस तरीके से डाल दें, सेव चेंजेस पे क्लिक करें। एक और ऐड करने के लिए प्लस बटन पे दबाइए, फिर से काउंटर आइटम सेलेक्ट करें, सेकेंड का ये है नंबर, इसे नंबर को यहाँ पर टाइप कर दे और ये है आपका टाइटल, कॉपी पेस्ट कर दे यहाँ पर। इसी तरीके से और भी आप क्रिएट करना चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं। अभी इसे भी अपडेट कर दें, यहाँ आके अगर आप इसे रिफ्रेश करें आपको ये सेक्शन भी यहाँ पर मिल जाएगा। उसके नीचे अभी हमें ये थर्ड सेक्शन क्रिएट करने हैं, ओके ये वाला, उसके लिए फिर से हम प्लस बटन पर दबाएंगे। ओके क्या आ गया, गूगल मैप्स, इसको हटाइए। एक रो को आपको ऐड करना है, इस तरीके से एक रो ऐड किया और रो में सबसे पहले तो हमें टाइटल सब टाइटल डिस्प्ले करना है, उसके बाद हमें ये आइकन्स डिस्प्ले करने हैं। सो उसके लिए प्लस बटन पे दबाइए और सर्च कीजिए हेडिंग, सेक्शन हेडिंग, ये रहा सेक्शन हेडिंग, इस पर क्लिक करें। यहाँ भी जैसा कि मैंने बताया हर जगह आपको काफ़ी सारे स्टाइल्स मिलेंगे, मैं स्टाइल 1 रहने देता हूँ बिकॉज हमारे डेमो वेबसाइट में ये स्टाइल हमने सेलेक्ट किया। ये है आपका टाइटल, ये है आपका सब टाइटल, फैंसी टाइटल नहीं, ये है आपका डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में इसे पेस्ट करें। अभी टाइटल के कलर को अगर आप चेंज करना चाहे, ब्लैक करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, डिस्क्रिप्शन के कलर को चेंज करना चाहे, ऑब्वियसली आप इजीली इसे कर सकते हैं। इसे सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। अभी इसके अंडर में हमें ये जॉब सेक्टर्स डिस्प्ले करने हैं, उसके लिए प्लस बटन पर दबाइए और सर्च कीजिए जॉब सेक्टर्स, ये वाला ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। अभी इसके भी जो भी स्टाइल आपको पसंद हो वो स्टाइल सेलेक्ट करें। कितने सेक्टर्स डिस्प्ले करने हैं, हम यहाँ पर 8 टाइप कर देंगे।
बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 डिफरेंट सेक्टर्स यहाँ पर डिस्प्लेड है, यहाँ पर शोन है। उसके बाद आप सिंपली इसे सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकते हैं। अभी हमें कुछ और भी करना है, पहले मैं आपको इसे अपडेट करके दिखाता हूँ। इसे यहाँ के रिफ्रेश करेंगे। अभी कुछ चीज़ें यहाँ करनी है, जैसा कि इसके ऊपर नीचे थोड़ा गैप ऐड करना है। इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी गैप है ऊपर भी और नीचे भी, ये कर लेते हैं। पहले उसके लिए आप यहाँ पर आइए, पेंसिल बटन पर दबाइए और डिज़ाइन ऑप्शंस पर जाइए और पैडिंग का ऑप्शन मिलेगा आपको, ये रहा पैडिंग। पैडिंग में टॉप पे डाल दीजिए 70 और बॉटम पे भी अगर आप चाहे तो 70, 50, 40 अपने हिसाब से डाल दीजिए। मैं यहाँ पर टॉप और बॉटम पैडिंग में 70 पिक्सल्स डाल के सेव चेंजेस कर देता हूँ। फिर से अगर आप यहाँ आके रिफ्रेश करें, अभी आपको दिखेगा काफ़ी गैप हो गया ऊपर भी और नीचे भी। अभी हमारा नेक्स्ट सेक्शन है ये सेक्शन, कॉल टू एक्शन सेक्शन। उसके लिए यहाँ पर आइए, प्लस बटन दबाइए, रो ऐड कीजिए और इस रो के अंडर में ऑब्वियसली कॉल टू एक्शन का जो ये ऑप्शन है, ये एलिमेंट है, इसे ऐड कर दीजिए। इसके लिए भी स्टाइल को आप चाहे तो जो स्टाइल आपको रखना है आप उस तरीके से इसे रख सकते हैं। इमेज में हमने ये इमेज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये इमेज सब की सब इमेजेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे मिल जाएंगे। सो मैं एक काम करता हूँ, सब इमेजेस को एक साथ अपलोड कर ही देता हूँ। और इसके लिए जो इमेज हमको चाहिए वो है ये वाली इमेज, इसे सेलेक्ट करके ऐड फाइल पर क्लिक कर दें। अभी टाइटल 1, टाइटल 2, डिस्क्रिप्शन सब डाल दें। ये हमारा टाइटल 1 है, उसके बाद ये हमारा टाइटल 2 है और ये है आपका डिस्क्रिप्शन। ओके, इसे भी यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लें। फिर आपका है बटन टेक्स्ट और बटन यूआरएल, ये सब चीज़ें। सो बटन टेक्स्ट यहाँ पर है सर्च जॉब्स, सो हम एक काम करेंगे सर्च जॉब्स यहाँ पर टाइप कर देंगे। और बटन यूआरएल में मैं एक काम करूँगा, ये वाले लिंक को कॉपी कर लूँगा, ऑल जॉब्स का जो लिंक है इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। और एक काम करना है, पहले हम इसे अपडेट कर दें उसके बाद वो काम देखेंगे। अभी यहाँ आगे इसे रिफ्रेश करें, ये रहा आपका सेक्शन। बट यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं इस सेक्शन का बैकग्राउंड कलर अलग है और इसके ऊपर और नीचे दोनों जगह ये आपको बॉर्डर मिल जाएगा, ये करना है और थोड़ा गैप ऐड करना है, तो वो कर लेते हैं। फिर से आप यहाँ पर आइए, पेंसिल बटन पर क्लिक करें, सबसे पहले थोड़ा ऊपर और नीचे गैप ऐड कर लेते हैं। उसके लिए आप स्टाइल पे जाइए, डिज़ाइन पे जाइए, टॉप पे मैं 40 और बॉटम पे 30 पिक्सल्स ऐड कर लेता हूँ पैडिंग का। ओके, टॉप पैडिंग 40, बॉटम पैडिंग 30। अब बॉर्डर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, ये रहा आपका बॉर्डर। बॉर्डर में भी टॉप पे आप टाइप कीजिए 1 और बॉटम में टाइप कीजिए 1, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप पे ये पतला लाइन बॉर्डर है, बॉटम में भी ये पतला लाइन या बॉर्डर है। सो 1-1 सेलेक्ट कर लीजिए। बॉर्डर का कलर आपको जो भी रखना है, और डार्क ग्रे या फिर जो भी कलर रखना है, मैं यहाँ पर E6 ये ग्रे कलर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये रखना चाहता हूँ। अभी बैकग्राउंड में हमें एक कलर डालना है थोड़ा लाइट, बॉर्डर का कलर काफ़ी डार्क था, इसे लाइट रखना है। सो F9 ये आपके बैकग्राउंड का कलर है। ओके, उसके बाद आप एक काम करेंगे, फिर भी है अभी इसे भी हमें स्ट्रेच करना होगा, बिकॉज हमने यहाँ भी बैकग्राउंड में कुछ कलर यूज़ किया है। सो जब भी आप बैकग्राउंड में कलर या फिर इमेज इस तरीके से कुछ यूज़ करें, हमेशा उस रो को स्ट्रेच कर दें। सो हम इसको स्ट्रेच रो कर देंगे, सेव चेंजेस पे क्लिक करके इधर अपडेट करेंगे। फिर से अगर आप यहाँ आके इसे रिफ्रेश करें, अभी आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपका सेक्शन, मेरे ख्याल से हमने बॉर्डर टाइप नहीं सेलेक्ट किया, सॉलिड वो शायद हम मिस कर गए। फिर से बटन पर दबाइए और यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल में सॉलिड सेलेक्ट करना ना भूलें। अभी फिर से अगर आप रिफ्रेश करें ऊपर नीचे, आपको इस तरीके से बॉर्डर मिल जाएगी। अभी इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है फीचर्ड जॉब लिस्टिंग का सेक्शन। सो उसके लिए फिर से हम यहाँ पर आएंगे, प्लस बटन दबाएंगे, रो ऐड करेंगे। रो में अभी फिर से जैसा कि आपने यहाँ पर सेक्शन हेडिंग डाला था, फिर से यहाँ पर आप सेक्शन हेडिंग डाल देंगे। मैं इसे सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा टाइम बचाने के लिए। और उसके नीचे आपको ये लिस्ट ऐड करना है। सो उसके लिए आप प्लस बटन पे दबाइए और यहाँ पर सर्च कीजिए जॉब्स लिस्टिंग। ओके, ये वाला सिंपल वाला सेलेक्ट कर लीजिए, जॉब्स लिस्टिंग। इस बार आपको स्टाइल 2 सेलेक्ट करना है और कुछ चीज़ें करनी है। पहले मैं इसे सेव चेंजेस कर देता हूँ, उसके बाद अपडेट कर देते हैं। यहाँ के इसे रिफ्रेश करें। अभी आप देखेंगे बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले हैं जो हमको नहीं दिखानी है। लेफ्ट हैंड साइड पर ये फ़िल्टर का ऑप्शन है, इसकी ज़रूरत नहीं। कितने जॉब सर्च हुए, इसकी ज़रूरत नहीं। ये सब सॉर्टिंग ऑप्शन, RSS फीड, ये सब की किसी भी चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत नहीं। हमें सिर्फ ये सिंपल सा चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले करना है। सो उसके लिए हमें काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ करने होंगे। जॉब लिस्टिंग पे पेंसिल बटन पे दबाइए और यहाँ पर कुछ चीज़ें करना शुरू करते हैं। पहले तो जॉब फाउंड हमें डिस्प्ले नहीं करना है, जैसा कि यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है जॉब फाउंड, ये हमें डिस्प्ले नहीं करना है। और सॉर्टिंग भी हमें डिस्प्ले नहीं करना है, जैसा कि ये सॉर्टिंग का ऑप्शन है, सॉर्ट बाय फील्ड, ये सब, ये भी हमें डिस्प्ले नहीं करना है।
उसके बाद पैजिनेशन भी आपको डिस्प्ले नहीं करना है, ऑलराइट। उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करके इसे अपडेट करें, यहाँ पर आके इसे रिफ्रेश करें। अभी आप देखेंगे ऊपर की सब चीज़ें चली गई, वैसे फ़िल्टर का ऑप्शन रह गया। सो फिल्टर के ऑप्शन को भी डिसेबल करें, यहाँ पर जॉब लिस्टिंग पे क्लिक करें और ये रहा फ़िल्टर का सेटिंग, इसे जस्ट नो कर दें। उसके बाद फिर से सेव चेंजेस पे क्लिक करके अपडेट करें और यहाँ आके अगर आप फिर से इसे रिफ्रेश करें, फ़िल्टर का भी ऑप्शन चला गया, ऑलराइट। बस एक चेंज थोड़ा, अगर ऊपर नीचे आपको गैप ऐड करना है सो आप वो कर दें, थोड़ा पैडिंग अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, जो हम कर लेते हैं। यहाँ पर पेंसिल बटन पे दबाइए, डिज़ाइन ऑप्शन पे जाइए, टॉप पे मैं थोड़ा ज़्यादा और बॉटम पे थोड़ा कम, सो टॉप पे 70 पैडिंग और बॉटम पे 30 पिक्सल्स पैडिंग हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट सेक्शन है ये सेक्शन, जो आपका टेस्टिमोनियल सेक्शन है। उसके लिए फिर से प्लस बटन पे दबाएंगे, नया रो ऐड करेंगे और इसके अंडर में हम टेस्टिमोनियल सर्च करेंगे। सो जब आप टेस्टिमोनियल सर्च करेंगे, आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, टेस्टिमोनियल्स। अभी इस पेंसिल बटन पे क्लिक करें, जो अंदर वाला पेंसिल बटन है इस पे क्लिक करें और यहाँ पर आप चाहें तो जो ये इमेज है, ये इमेज यहाँ पर अपलोड कर दें, ये रहा, ऐड फाइल पे क्लिक कर दें, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिए। और इसके अंदर अभी आपको ये टेस्टिमोनियल्स डिस्प्ले करने हैं, जो ये है, ये टेस्टिमोनियल आपको यहाँ पर डिस्प्ले करने हैं। सो उसके लिए प्लस बटन पर दबाइए, टेस्टिमोनियल आइटम सर्च करें, जो भी आपको टेक्स्ट डिस्प्ले करना है आप यहाँ से कॉपी कर ले टेक्स्ट। मैं कुछ सैम्पल टेक्स्ट कहीं से, ये सैम्पल टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जो भी टेक्स्ट आपको डिस्प्ले करना है इस तरीके से पेस्ट कर दे। टाइटल क्या है, टाइटल आप देख सकते हैं इस तरीके से, रिचर्ड एंडरसन उसका नाम, मैं यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ जॉन डो का। उसके बाद पोजीशन, लोकेशन, जो भी है वो सब चीज़ें आप यहाँ पर टाइप कर दे और उसके बाद सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक कर दे और इसी तरीके से एक और टेस्टिमोनियल आइटम आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अभी इसे रिफ्रेश करें, यानी अपडेट करें, यहाँ आके इसे रिफ्रेश करें, ये रहा आपका टेस्टिमोनियल सेक्शन। यहाँ भी हमें, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया, जब भी आपके बैकग्राउंड में इमेज हो या फिर कलर हो, आपको इस रो को स्ट्रेच करना चाहिए। सो उसके लिए आप यहाँ पर आएंगे, पेंसिल बटन पर दबाएंगे। अभी इस बार अगर आपने सिर्फ स्ट्रेच रो किया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, इस बार हमें कॉन्टेंट को भी स्ट्रेच करना है। सो फोर्थ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें, स्ट्रेच रो एंड कॉन्टेंट, सेव चेंजेस पे क्लिक करके अपडेट करें, बिकॉज इस बार हमें ये इमेज को भी स्ट्रेच करना है। ओके, देख सकते ये इमेज भी ये साइड आ गई और ये यहाँ पर आ गया, ये मच बेटर लग रहा है। उसके बाद आपका लास्ट सेक्शन है आपका ये ब्लॉक का सेक्शन। उसके लिए फिर से यहाँ पर आइए, प्लस बटन दबाइए, रो ऐड कीजिए, इसके अंदर हेडिंग मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा टाइम बचाने के लिए, जो भी आपकी हेडिंग हो आप टाइप कर देंगे। अभी मैं इसे अपडेट कर देता हूँ, बिकॉज पहले हमें ब्लॉक्स क्रिएट करने होंगे, अभी तक हमने कोई ब्लॉक क्रिएट नहीं किया। सो उसके लिए आप एक काम करें, अपने डैशबोर्ड पर आइए, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। एक पोस्ट हमेशा ऑलरेडी क्रिएटेड होती है हेलो वर्ल्ड की, उसे डिलीट कर दें। अभी यहाँ से कोई भी सिंगल पोस्ट ओपन कर लें ताकि आपको दिखे कि आपका पोस्ट कैसा नज़र आता है। और यहाँ पर अगर नया पोस्ट ऐड करना है, ऐड न्यू पे क्लिक कर दें। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑब्वियसली इसका टाइटल देना पड़ेगा, और अगर आप इस पोस्ट पे आए, आपका टाइटल कुछ इस तरीके से होगा, ये रहा ऊपर का टाइटल, मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और उसके नीचे आपको कॉन्टेंट, जो भी आपका कॉन्टेंट है, कॉन्टेंट आपका सिंपल टेक्स्ट होता है, बहुत ही सिंपल सा टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आपको यहाँ टाइप करना है आप टाइप कर देंगे, मैं यहाँ सिर्फ पेस्ट कर देता हूँ, ऑलराइट। फिर आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड से, अगर आप इसे कोई कैटेगरी देना चाहें, मैं इसे सिंपली ब्लॉक का कैटेगरी दे देता हूँ। आप एक कैटेगरी दे सकते हैं, फीचर्ड इमेज दे सकते हैं, मैं ये वाला फीचर्ड इमेज रख लेता हूँ। फीचर्ड इमेज आप देख सकते हैं, टॉप पे जो इमेज है ये आपकी फीचर्ड इमेज है। इस तरीके से टैग्स है, करियर डेवलपमेंट, जॉब्स, न्यूज़, ये सब टैग्स है। सो इस तरीके से अगर कोई टैग्स देना चाहे, सो यहाँ पर आपको टैग्स का ऑप्शन मिलेगा, ये रहा टैग्स, यहाँ पर कुछ टैग्स भी टाइप कर सकते हैं, उसके बाद आप सिंपली इसे पब्लिश कर देंगे। इसी के साथ आपका ये ब्लॉग हो जाएगा क्रिएट। सो इतना ईजी है ब्लॉग्स क्रिएट करना। जब आप ब्लॉग क्रिएट कर लें, फिर से होम पेज पे आइए, प्लस बटन पे दबाइए और यहाँ पर सर्च कीजिए ब्लॉग। ये ब्लॉग का जो एलिमेंट है उस पर क्लिक करें, ये एलिमेंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जो भी स्टाइल चाहिए, जो भी चाहिए, आप यहाँ से चेंजेस करके यहाँ पर सेव चेंजेस कर दें, अपडेट करें। यहाँ पर आके अगर आप इसे होम पेज पर जाएँ, नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये रहा आपका सेक्शन। बस ऊपर नीचे थोड़ा गैप यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत है, इजीली कर लेते हैं। पेंसिल बटन पे दबाइए, डिज़ाइन पे जाइए, थोड़ी पैडिंग ऊपर नीचे, सो मैं यहाँ पर टॉप और बॉटम पे 70 पिक्सल्स की पैडिंग ऐड कर लेता हूँ। इसे अपडेट करके अगर आप फिर से इसे रिफ्रेश करें, अभी काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ गैप है ऊपर भी और नीचे भी, ऑलराइट। ओके गाइस, सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, होम पेज क्रिएट करना बहुत ही ईजी है, बिकॉज हमारे पास ये एलिमेंट्स पहले से हैं, सिर्फ इनको यूज़ करना होता है। सो इसी के साथ आपका होम पेज होता है कंप्लीट।
कुछ और पेजेस है जैसे जो हमको क्रिएट करना है, जैसा कि डेमो वेबसाइट में आप देख सकते हैं एम्प्लॉयर्स का पेज, कैंडिडेट्स का पेज, पैकेजेस का पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ये सब पेजेस भी हमें क्रिएट करने हैं। अभी होम पेज को तो हमने स्टेप बाय स्टेप क्रिएट किया, मैं बस इसीलिए स्टेप बाय स्टेप क्रिएट किया ताकि आपको समझ में आए इसको कैसे यूज़ करना है। आगे के पेजेस को अभी जो भी हम क्रिएट करने जा रहे हैं बहुत ही ईजी है, आपको कुछ भी इस तरीके से नहीं करना है, कुछ मिनट में हम सब के सब पेजेस क्रिएट कर लेंगे। चलिए ऐड न्यू पेज पे क्लिक करें। सबसे पहले हम कैंडिडेट्स का पेज क्रिएट कर लेते हैं, सो मैं यहाँ कैंडिडेट्स टाइप कर देता हूँ। अभी यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ राइट हैंड साइड पर जाइए टेम्पलेट में, डिफ़ॉल्ट कैंडिडेट लिस्टिंग सेलेक्ट करके इसे पब्लिश कर दीजिए। अगर आप इसे नेट पेज में ओपन करके देखें यहाँ पर आपके कैंडिडेट्स डिस्प्ले होंगे इस तरीके से। ऑलराइट, इसे कैंसिल कर दीजिए। इसी के साथ ऐड न्यू पे क्लिक करें और एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं। इस बार आप एम्प्लॉयर्स का पेज क्रिएट करें, सो जस्ट टाइप करें एम्प्लॉयर्स। यहाँ पर अभी आपके जितने एम्प्लॉयर्स हैं सब डिस्प्ले होंगे। फिर से राइट हैंड साइड पर टेम्पलेट्स में डिफ़ॉल्ट एम्प्लॉयर लिस्टिंग पे क्लिक करके पब्लिश कर दें, ये आपका एम्प्लॉयर पेज भी हो गया कम्प्लीट। उसके बाद अभी हमको सर्च पेज क्रिएट करना है। सर्च पेज क्या है? सर्च पेज बेसिकली आपका ऑल जॉब्स पेज है, जो हमने ऑल जॉब लिस्टिंग का पेज क्रिएट किया थोड़ी देर पहले। बस हमें अभी क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, उस पेज को सर्च पेज सेट करना है। मैं दिखा देता हूँ कैसे। सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से जॉब सर्च ऑप्शन पे हावर करें और यहाँ पर जॉब सेटिंग्स पे क्लिक कर दें। मेरे ख्याल से ओके, जॉब सेटिंग पे पहले आप क्लिक करें। यहाँ ये रहा सर्च रिजल्ट पेज, यहाँ पर आप ऑल जॉब्स पेज सेलेक्ट करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। ओके, सो इस पेज को हमने सर्च रिजल्ट वाला पेज सेट कर दिया है। अभी हम ब्लॉग पेज क्रिएट कर लेते हैं। सो उसके लिए फिर से पेजेस पे हावर करके ऐड न्यू पे क्लिक कर दें। इसे सिंपली आप ब्लॉग का टाइटल दे दें। अभी राइट हैंड साइड से हमें पेज टाइटल डिस्प्ले नहीं करना है, सो मैं पेज टाइटल को नो कर देता हूँ। यहाँ पर इसे पब्लिश कर दें। अभी इसके अंदर में जो भी ब्लॉग्स आपको डिस्प्ले करने हैं सिंपली डब्ल्यू पी बेकरी पेज बिल्डर पर क्लिक करें और बैकएंड एडिटर करें, इसके अंदर में ब्लॉक का एलिमेंट ऐड कर दें। ओके, ब्लॉक का एलिमेंट यहाँ पर ऐड कर दें। बस एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दें, पैजिनेशन यहाँ पर यस होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैजिनेशन, मेक श्योर आपका यस है। सेव चेंजेस पे क्लिक करके इसे अपडेट कर दें। ये हो गया आपका ब्लॉक पेज। अभी हम अपना अबाउट पेज क्रिएट कर लेते हैं, अबाउट अस पेज। उसके लिए ऐड न्यू पे क्लिक करें। अभी अगर आप अपने डेमो वेबसाइट में देखें अबाउट अस पेज आपका कैसा नज़र आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले तो यहाँ पर टाइटल में आप टाइप कर दीजिए अबाउट अस। अभी आप यहाँ देख सकते हैं ये है आपका अबाउट पेज, काफ़ी बड़ा लेंथी पेज है, काफ़ी सारे एलिमेंट्स इसमें यूज़ हुए हैं, बट आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सिंपली जो मैंने आपको पहले ही बताया, एक लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे आप इमेजेस भी डाउनलोड करेंगे और कुछ फाइल्स भी डाउनलोड कर लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ लेके आता हूँ इसे, ये रहा। सो ये मीडिया फाइल, मीडिया फोल्डर में कुछ इमेजेस है और ये सब कुछ फाइल्स हैं। अभी यहाँ पर आप अबाउट फाइल ओपन करें, ये आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। इस पर कंट्रोल ए दबाइए, इससे सबका सब सेलेक्ट हो जाएगा। अभी इसे कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर आइए डब्ल्यू पी बेकरी पे, पहले तो इसे पब्लिश कर रहे। अभी डब्ल्यू पी बेकरी पेज बिल्डर पे क्लिक करें। अभी आप बैक एंड एडिटर पे पहले क्लिक मत करें, पहले यहाँ पर आइए, विजुअल में मत जाइए, टेक्स्ट पे जाइए। नॉर्मली आप विजुअल में रहते हैं, टेक्स्ट पे जाइए, इसे पेस्ट कर दीजिए, उसके बाद आप इसे अपडेट कर दीजिए। अभी आप अगर बैक एंड एडिटर पे क्लिक करेंगे सब की सब चीज़ें आपके लिए आ गई, बस जो जो चेंजेस करना है पेंसिल बटन पे जाके वो चेंजेस कर दीजिए। और अगर आप इस पेज को नए टैब में ओपन करके देखें, कंप्लीट अबाउट पेज आपके लिए क्रिएटेड है इस तरीके से। ओके, आप देख सकते हैं इसके डिज़ाइन को बस वाइड कर दीजिए, एक चेंजेस इसमें ये कर दीजिए, पेज व्यू को इसमें वाइड व्यू कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए। बिकॉज अगर आप अभी देखें आप देख सकते हैं ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में काफ़ी गैप है, सो हमें इसे वाइड करना है। अगर आप अभी इसे रिफ्रेश करें वाइड करने के बाद, ये चीज़ हो गई फिक्स। ओके, अब इसी तरीके से हम अपने और भी पेजेस क्रिएट कर लेते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करें। अभी हम अपना कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट कर लेते हैं, बहुत ईजी है। उसके लिए फिर से आप टाइटल में टाइप कर दीजिए कॉन्टैक्ट अस, इसे भी पेज व्यू को इसे भी वाइड कर दीजिए। सो इसे वाइड सेलेक्ट कर लीजिए, हमें कोई स्पेसिंग की ज़रूरत नहीं, सो स्पेसिंग और टाइटल को आप यहाँ से नो कर सकते हैं। पब्लिश कर दीजिए इसे, डब्ल्यू पी बेकरी पेज बिल्डर पर क्लिक करें। फिर से टेक्स्ट पे जाइए और फिर से वो फोल्डर ओपन कीजिए। अभी इस बार आप कॉन्टैक्ट पेज का जो ये फाइल है इसे ओपन करें और इसे भी सबको सेलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर दें। फिर से बैक एंड एडिटर पे क्लिक करेंगे, सब की सब चीज़ें आपको यहाँ मिल गई, सिंपली इसे अपडेट कर दें। अगर आप इसे नए टैब में ओपन करके देखें, ये रहा आपका कॉन्टैक्ट पेज। ओके,
सो काफ़ी टाइम आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर बच जाता है। गूगल मैप जहाँ भी डिस्प्ले होगा सब जगह आपको प्रॉब्लम आएगी बिकॉज हमने अभी उसका सेटिंग नहीं किया है। ओके, ये देख सकते हैं आपका कॉन्टैक्ट पेज भी क्रिएट हो गया। मैंने आपको जैसे ही शुरू में होम पेज में दिखाया है आप ये सब चीज़ें कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका टाइप, आपका एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, अगर आपको ये सब चीज़ें चेंज करनी है। कॉन्टैक्ट इन्फो पेंसिल बटन पे दबाइए, बस आपको सब डिटेल्स दिए हुए हैं, ये रहा ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, जो भी आपको डालना है बस अपना ये डिलीट करके अपना नंबर, अपना एड्रेस यहाँ पर टाइप कर दें। अभी हम एक काम करते हैं, फिर से नया पेज ऐड कर लेते हैं। अभी हमने दो टाइप के पैकेजेस क्रिएट किए, जॉब्स पैकेज और सीवी पैकेज, उनके लिए पेजेस भी क्रिएट कर लेते हैं। पहले जॉब पैकेजेस का एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, इसे भी वाइड रहने दें, पेज व्यू वाइड, ओके। और इसके भी टाइटल को और स्पेस को आप यहाँ से नो कर दें, पब्लिश कर दें, फिर से वो फोल्डर ओपन करें और इस बार आपको ये ऑप्शन ओपन करना है, जॉब पैकेजेस, इस फाइल को ओपन करें, ये रहा आपका फाइल, इसे कॉपी कर लें, अपने वेबसाइट पे आके WP बेकरी पेज बिल्डर पे क्लिक कर दें और टेक्स्ट में इसे हर बार की तरह इस बार पेस्ट कर दें। बैक एंड एडिटर पे जाइए, अपडेट कीजिए, आपका ये पेज भी हो गया कंप्लीट। इसे सिंपली नए टैब में ओपन करके देखिए, ये रहा आपका जॉब्स पैकेजेस पेज। आप जो भी जॉब्स, जो भी पैकेजेस आप क्रिएट करेंगे इस तरीके से वो खूबसूरती से आपके वेबसाइट पे डिस्प्ले होगा। ऑलराइट, लास्ट पेज मेरे ख्याल से शायद लास्ट पेज है ये, जो है आपका सीवी पैकेजेस पेज। सो ऐड न्यू पेज पे क्लिक करें, सेम चीज़ें, सीवी पैकेज का इसे टाइटल दे दें, सीवी पैकेजेस का, और राइट हैंड साइड से वाइड व्यू, नो टाइटल नो स्पेस करके आप पब्लिश कर दें इसे। और फिर से सेम चीज़ WP बेकरी पेज बिल्डर पे जाइए, फोल्डर ओपन कीजिए, सीवी पैकेजेस का फाइल ओपन कीजिए, सब चीज़ यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कीजिए, बैक एंड एडिटर पे जाइए, इसे अपडेट कीजिए, फिर से आपका ये पेज भी हो गया सिंपली कंप्लीट। नए टैब में ओपन करके देखें, ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, आपके पैकेजेस यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, जो भी है सबके सब चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं इस तरीके से। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई पैकेज क्रिएट किया वो नहीं नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक हमने दो पैकेज क्रिएट किया था, पावर और स्टैंड और बेसिक, शायद यहाँ पर एक ही पैकेज डिस्प्ले हो रहा है। सो आप यहाँ पर आके कुछ देख सकते हैं, पैकेज आइटम 1 में जाइए, यहाँ पर पैकेज सेलेक्टेड नहीं है, इसलिए बेसिक पैकेज को सेलेक्ट करें, सेव चेंजेस पर क्लिक कर दें, फिर से अगर आप यहाँ पर आके रिफ्रेश करें अभी आपके दोनों पैकेजेस डिस्प्ले होंगे। ऑलराइट, ओके गाइस, सो जो भी वेबसाइट से रिलेटेड पेजेस सेटिंग्स थे सब कंप्लीट हो गए, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें बाकी हैं। हमारा मेन्यू आप देख सकते हैं काफ़ी भद्दा लग रहा है, हेडर काफ़ी गंदा लग रहा है, हमें हेडर को फिक्स करना है, फुटर में कुछ भी नहीं है, फुटर में ऐड करना है। सो ये दो चीज़ें सिर्फ बची हुई है, देख लेते हैं इसे कैसे करते हैं। और लास्ट में एक ये देखना है हमें गूगल मैप API की कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम अपने मेन्यू को क्रिएट कर लेते हैं, उसके लिए आप अपने डैशबोर्ड पर आइए, अपीयरेंस आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, उस पर हावर करके मेन्यूज़ पे क्लिक कर दें। अभी इसे जो भी नाम देना चाहे, मैं इसे मेन मेन्यू का नाम दे देता हूँ, आप जो नाम देना चाहे दे दें और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दें। अभी लेफ्ट हैंड साइड पे पेजेस पे व्यू ऑल करें और जो जो पेजेस आपको यहाँ पर डिस्प्ले करने हैं, जो जो पेजेस आपको डिस्प्ले करने हैं सब पेजेस को इस तरीके से सेलेक्ट करें और यहाँ पर ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दें और यहाँ पर प्राइमरी को टिक मार्क करके सेव मेन्यू क्लिक कर दीजिए। अगर फिर से आप अपने वेबसाइट पे आके रिफ्रेश करें, आपका मेन्यू काफ़ी खूबसूरत तरीके से अभी आपको डिस्प्ले होगा इस तरीके से। अगर आप चाहें तो कोई पेज यहाँ पर CV और जॉब पैकेज की ज़रूरत नहीं, मैं काम करता हूँ, कस्टम लिंक्स ऐड करें, URL बार में ये एक टैग का ऑप्शन डाल दें और यहाँ पर टेक्स्ट में डाल दीजिए पैकेजेस, ऐड टू मेन्यू पर क्लिक करें। अभी हम एक काम कर सकते हैं, जो ये दो ऑप्शंस है CV पैकेजेस और जॉब्स पैकेजेस, दोनों को इसके अंडर में डाल सकते हैं इस तरीके से। फिर से अगर आप यहाँ आके रिफ्रेश करें, अभी आप देखेंगे एक स्पेस कम हो गया, अगर आप पैकेजेस पे हावर करें आपको उसके अंडर में ये दो ऑप्शन मिलेंगे, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। अभी चलिए फुटर को फिक्स करते हैं, अगर आप नीचे जाए फुटर में कुछ भी नहीं है। सो फुटर में कोई चीज़ ऐड करने के लिए अपीयरेंस के अंडर में अगर आप विजिट्स पे क्लिक करें वहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास फुटर के लिए कोई एरिया ही नहीं है, ये साइड बार का एरिया, हमें साइड बार ऐड नहीं करना है, हमें फुटर ऐड करना है। सो पहले आपको वो एरिया क्रिएट करना होता है। सो उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा थीम ऑप्शंस, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये थीम ऑप्शन मिलेगा, उस पर हावर करें और फुटर साइड बार्स, ये रहा फुटर साइड बार्स, इसे नए टैब में ओपन कर लें। अभी यहाँ पर आपको पहले से ऑन करना है और आपको साइड बार एरिया क्रिएट करना है। सो हम काम करते हैं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमने 4 एरिया क्रिएट किया, 1 2 3 4, पहला एरिया काफ़ी बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है,
इस तरीके से हम इसे भी क्रिएट करते हैं। अभी एक चीज़ याद रखिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आप एक रो को 12 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ क्या करता हूँ, पहले 4x12 डाल देता हूँ, ओके, उसके बाद ऐड साइड बार, उसके बाद 3x12, एक और 3x12 वाला, और लास्ट में 2x12। हमेशा याद रखें, जो भी आप यहाँ ऐड करें, आपका न्यूमरेटर का टोटल 12 होना चाहिए। जैसा कि यहाँ 4+3 7+3 10+2 12। अभी इसे जो भी आप नाम देना चाहें, मैं सिंपली इसे 1 2 का नाम दे देता हूँ, 1 2 3 4। और राइट, उसके बाद सेव मेन्यू पे क्लिक करें। फिर से अगर आप सेव चेंजेस पे क्लिक करें, पहले फिर से अगर आप विजिट्स पे आके अगर आप यहाँ पर अभी रिफ्रेश करें, अभी आपको दिखेगा 1 2 3 4, मतलब ये आपने जो क्रिएट किया है वो आपका फुटर का एरिया हो गया। ओके, अभी फुटर एरिया 1 में हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, इनको सबको डिलीट करें यहाँ से। फुटर एरिया 1 में हमें सिंपली ये टेक्स्ट ऐड करना है, और इसमें मैं आपको बता दूँ कैसे ऐड करेंगे। पहले तो विजिट्स पे आइए, और टेक्स्ट आपको सबसे नीचे मिलेगा, ये रहा टेक्स्ट का विजिट। अभी इस विजिट पे क्लिक करें और 1 सेलेक्ट करें, ऐड विजिट पे क्लिक करें, ये रहा आपका विजिट। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये लोगो डिस्प्ले करना है, उसके बाद ये टेक्स्ट ऐड करना है। ओके, सो लोगो डिस्प्ले करने के लिए ऐड मीडिया पे क्लिक करें, ये लोगो यहाँ पर डाल दें। ओके, नेक्स्ट लाइन पे जाइए, ये जो भी टेक्स्ट है वो पेस्ट कर दिए, नेक्स्ट लाइन पे आइए। अभी आप एक काम करें, फिर से वो फोल्डर ओपन करें जो आपने डाउनलोड किया, और यहाँ पर आपको CSS ये मिलेगा, इससे कॉपी कर लें। यहाँ पर सिर्फ एक लाइन दी हुई है, बहुत ही सिंपल सी, ये लाइन को इस तरीके से आप कॉपी कर लें। वेबसाइट पे आइए, टेक्स्ट पे जाइए, और इसे बॉटम में पेस्ट कर दीजिए। फिर से अगर आप विजुअल पे आएंगे, अभी आपको बटन वाला जो ये लर्न मोर का बटन है, आपको ये ऑप्शन देगा, इसे सेव कर दीजिए। ऑलराइट, अभी फुटर 2 3 4 में सब में सिर्फ मेन्यूज है, सो इसके लिए आप एक नया मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, अभी हमने देखा मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं। उसी तरीके से अपीयरेंस पे हावर करेंगे, मेन्यूज़ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे, और इसी तरीके से फुटर 1 फुटर 2 जितने भी चाहे 3 मेन्यू आपको क्रिएट करने हैं, 2 3 4, फुटर 2 फुटर 3 फुटर 4। सो मैं फुटर 2 के लिए दिखा देता हूँ, उसी तरीके से आप 3 और 4 के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। व्यू ऑल पे क्रिएट करें, जो जो पेजेस आपको डिस्प्ले करने हैं वो सब पेजेस यहाँ पर टिक मार्क करके ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करें। नीचे से कुछ टिक करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली इसे सेव मेन्यू पे क्लिक करें, विजिट्स पे आइए, इस पेज को पहले रिफ्रेश करें। अभी फुटर 2 सेलेक्ट करें, और नेविगेशन मेन्यू, ये रहा नेविगेशन मेन्यू, ये विजिट को 2 नंबर पे ऐड विजिट कर दें। जो भी टाइटल देना चाहें, यहाँ पर टाइटल है क्विक लिंक्स, मैं ये टाइटल यहाँ पर डाल देता हूँ, और सेलेक्ट मेन्यू में फुटर 2 वाला मेन्यू सेलेक्ट कर लें। अगर आप अभी अपने वेबसाइट पर आके रिफ्रेश करें, ये रहा आपका फुटर। ओके, फुटर 1 गायब हो गया, ओके, शायद हमने कुछ मिस्टेक यहाँ पर कर दिया है, शायद हमें उसे 1 का नाम नहीं देना चाहिए था, देख लेते हैं, आप फिर से एक बार फिक्स कर लेते हैं उसे। आप थीम ऑप्शन पे जाके फुटर साइड बार्स पे क्लिक करें, इसका नाम चेंज करके फुटर 1 कर दें, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। सेव चेंजेस पे क्लिक करें, फिर से विजिट्स वाले पेज पे आके इसे रिफ्रेश करें, फुटर 1। ओके, इसके अंदर में फिर से आपको चीज़ें ऐड करनी होगी, बॉटम पे जाइए, टेक्स्ट, ओके, ये रहा, आप अभी भी है इनएक्टिव में दिखा रहा है, इसे बस आप उठा के इस तरीके से ऊपर लेके जाइए माउस के थ्रू, और फुटर 1 में ऐसा ड्रॉप कर दीजिए। यहाँ पर आके अगर आप फिर से इसे रिफ्रेश करें, अभी आपको इस तरीके से नज़र आएगा। ओके, मेरे ख्याल से हमने इसको नेम 2 3 4 जो हमने नेम दिया ऐसा आपको नहीं देना चाहिए, फुटर 1 फुटर 2 फुटर 3 फुटर 4 इस तरीके से नाम दीजिए, वो बेटर है। उसी के लिए आप देख सकते हैं अभी ये गायब हो गया। सो मैं आपको रेकमेंड करूंगा इस तरीके से आप इसे नेम करें, फुटर 1 फुटर 2 फुटर 3 फुटर 4, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी फाइनल हम कॉपीराइट टेक्स्ट, तो फुटर पे क्लिक करें, जो बॉटम में कॉपीराइट टेक्स्ट होता है ये, इसे फिक्स कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो भी आपको कॉपीराइट टेक्स्ट टाइप करना है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कॉपीराइट्स 2020 मेड बाय नैयर शेख। जो भी आपको ऐसा टेक्स्ट टाइप करना है, आप इसे सेलेक्ट करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। फिर से अगर आप रिफ्रेश करें, आपका वो कॉपीराइट टेक्स्ट भी यहाँ से हो गया चेंज। अभी सिर्फ 2 चीज़ें बची हैं, पहला तो इनफैक्ट एक ही चीज़ बची है, वो है आपका गूगल मैप API। सो हर जगह जहाँ भी मैप हमने डिस्प्ले किया, सब जगह प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो कॉन्टैक्ट पेज हो या फिर कोई और सिंगल लिस्टिंग पेज हो, हर जगह मैप का प्रॉब्लम आ रहा है। इसके लिए हमें गूगल मैप API की क्रिएट करना होता है। फिर आप नया टैब ओपन करें, मैं एक काम करता हूँ, मैं नया प्राइवेट विंडो ओपन करता हूँ, आप सिंपली नए टैब में ओपन करें, प्राइवेट विंडो की आपको ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर सर्च कीजिए blogtut.com/google-api, ओके, blogtut.com/google-api।
आप इस लिंक पे आ जाएंगे। पहले तो आप साइन इन कर लीजिए, उसके बाद आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें। अभी आपको ये ऑप्शन मिलेगा, तीनों को टिक मार्क कर दें, मैप्स, राउट्स और प्लेसेस, तीनों को टिक मार्क करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अभी या तो आपको नया या तो आपको कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, या तो आप एक कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने तो पहले ही क्रिएट कर रखा है, बट मैं फिर भी आपको एक दिखा देता हूँ। क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें, जो भी आप इसे नाम देना चाहें नाम दे दें, नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। बेसिकली आपको इसे अपने वेबसाइट का नाम देना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि ये API की है, आपने किस वेबसाइट के लिए, किस रीज़न के लिए क्रिएट की है। और आई गेस उसके बाद आपको ये पेज मिलेगा, बिलिंग का पेज। यहाँ पर मुझे ऑप्शन आ रहा है सेट अकाउंट का, आपको ऑप्शन शायद आएगा क्रिएट अकाउंट का। फर्स्ट टाइम अगर आप ये कर रहे हैं, आपको आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करने होते हैं। ये लोग आपके अकाउंट से एक रुपया या दो रुपया चार्ज करते हैं, या तो आपको एक रुपया या दो रुपया डिपॉजिट करते हैं आपके अकाउंट में। इससे ये सिर्फ ये होता है कि आपके अकाउंट को ये गूगल के साथ लिंक कर देते हैं। ओके, सो आप वो कर लें, उसके बाद सेट अकाउंट पर क्लिक कर दें। फिर आपको ये ऑप्शन आएगा इनेबल 15 गूगल मैप API, आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ये आपके लिए सबके सब APIs इनेबल कर देगा, उसके बाद आपको आपका API की मिल जाएगा। ये रहा आपका API की, सिंपली इसे कॉपी करें, यहाँ से अपने वेबसाइट पे आइए, ऑप्शंस पे जाइए, थीम ऑप्शंस, इस तरीके से, मेरे ख्याल से थीम ऑप्शंस नहीं, जॉब सर्च पे जाइए, जॉब सर्च ऑप्शंस पे API सेटिंग्स पे क्लिक कर दें। और यहाँ पर आपको गूगल API सेटिंग्स एक्शन, ये ऑप्शन मिलेगा, गूगल API सेटिंग्स एक्शन, इसके अंडर में API की के अंडर में ये जो आपने कॉपी किया पेस्ट करके सेव चेंजेस पे क्लिक करें। फिर से अगर आप इस पेज पे आके इसे रिफ्रेश करें, वो एरर चला गया। अभी आपका पेज 100% प्रॉपरली काम करेगा। जहाँ भी अभी गूगल मैप का प्रॉब्लम आ रहा था, अगर आप ऑल पेजेस पे, ऑल जॉब्स पे जाइए, कोई भी एक सिंगल जॉब भी अगर आप ओपन करेंगे, यहाँ पर एरर आ रहा था, ये भी एरर चला गया। और अगर आप ऑल जॉब्स पे जाइए, बिकॉज ये आपका सर्च पेज है, अगर आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे, ये बिकॉज गूगल मैप API यूज़ कर रहा है, ये अपने आप आपका एड्रेस ले लेगा। उसके लिए पहले आपको ये अलाउ करना पड़ता है, सो से हम यहाँ से SSL से अलाउ करना पड़ता है, लोकेशन ब्लॉक है, इसे अलाउ करना पड़ता है। उसके बाद अगर आप पहले तो इसे रीलोड कर रहे पेज को, अभी आप देखिए बिना उसके ही ऑटोमेटिकली इसने आपका एड्रेस ले लिया। सो इस तरीके से ये चीज़ काम करती है। और आई गेस इसी के साथ आपका ये वीडियो होता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आई होप आप लोग कुछ नया सीखे होंगे आज इस वीडियो से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, अगर आप लोग और भी इस तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं, और भी इस तरीके की अच्छी चीज़ें सीखना चाहते हैं, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे के भी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर शेयर करें, और ज़रूर एक कमेंट ज़रूर नीचे आप डालें। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई अप्रिशिएशन हो, कोई भी चीज़ के लिए कोई सजेशन हो मेरे लिए, उसके लिए आप नीचे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।